WordPress बिगनर टू एडवांस ट्यूटोरियल। जी हाँ फ्रेंड, जैसे कि आप लोगों ने टाइटल में पढ़ लिया होगा, इस ट्यूटोरियल में आप लोगों को WordPress के बिगनर से लेके एडवांस तक के सारे स्टेप बताए जाएंगे। वैसे तो YouTube के ऊपर बहुत सारे ट्यूटोरियल हैं WordPress के ऊपर, जिसमें लोगों ने अलग अलग तरीके से बहुत कुछ बता रखा है, मगर मैं इस वीडियो में गारंटी लेता हूँ कि इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको WordPress से रिलेटेड कुछ सर्च नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो के अंदर ए टू जेड पूरा सब कुछ कवर करने वाला हूँ। वर्डप्रेस क्या होता है, कैसे इंस्टॉल होता है, खाली यही सब नहीं बताऊंगा मैं आपको, एक एक चीज़ डिटेल में करने वाला हूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर में पूरा ओवरव्यू दूंगा कि मैं इस वीडियो में क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत ही अमेजिंग वीडियो होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि लोग कोर्स बाय करने के बाद जान पाते हैं या फिर सीख पाते हैं। सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाला है। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आप लोग आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके इस ऑल के बटन पे आप क्लिक कर लें, ताकि मेरी इसी तरह की वीडियो आप लोगों को तक हमेशा बहुत आसानी से पहुंचती रहे। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करना, लोगों के साथ शेयर जरूर करना, ताकि और लोग भी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, अपनी नॉलेज बढ़ा सकें और अपनी ऑनलाइन अर्निंग की जर्नी को स्टार्ट कर सकें। सो फ्रेंड्स, चलते हैं अपने ट्यूटोरियल की तरफ, आगे बढ़ते हैं। वेलकम टू वेब टेक्निकल टिप्स, मैं आपका होस्ट एंड दोस्त वीरेंद्र जायसवाल। आज के इस वीडियो में हम लोग क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं, पहले मैं वो आपको बता दूं, ताकि आपको भी लगे कि आप जो कुछ करने वाले हैं वो आपके लिए वर्थ है या फिर आपका टाइम वेस्ट होने वाली बात है। आपको मैं एक एक चीज डिटेल में यहां बता देता हूं। व्हाट इज वर्डप्रेस, बेसिक सी चीज है, हर कोई बताता है, तो मैं भी वो आपको बताऊं, क्योंकि मैं ये वीडियो एज अ बिगिनर समझ के बना रहा हूं कि कोई बिल्कुल नया आया है जिसको वर्डप्रेस के बारे में नॉलेज नहीं है और वो जानना चाहता है, तो वर्डप्रेस में बिगिनर से लेके एक एडवांस तक के लिए क्या क्या हो सकता है वो सब कुछ मैं कवर करना चाहता हूं इस वीडियो के अंदर। अगर मैं चाहूं तो इस वीडियो को बहुत जल्दी खत्म कर सकता हूं, मगर मैं क्योंकि एक एक चीज पूरी डिटेल में बताने वाला हूं, सो आप लोग भी थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को देख लें। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को सेव कर लीजिए, प्लेलिस्ट में डाउनलोड कर लीजिए, कुछ भी करिए, मगर इस वीडियो को तसल्ली से जरूर देखना, ताकि आप लोगों को जो मैं मैसेज देना चाहता हूं, जो चीज़ें मैं समझाना चाहता हूं, वो अच्छे से क्लियर हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूं आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर आज तक पूरा देखेंगे और इस वर्डप्रेस की सीरीज का फायदा उठा पाएंगे। तो इस सीरीज में मैं कवर करने वाला हूं व्हाट इज वर्डप्रेस, व्हाई यूज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस हमारे को यूज क्यों करना चाहिए, क्या जरूरत है हमारे को वर्डप्रेस यूज करने की, एंड वर्डप्रेस वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए जो बेसिक सी रिक्वायरमेंट होती है उनके बारे में, डोमेन एंड होस्टिंग के बारे में, सेम कंपनी की डोमेन होस्टिंग है तो कैसे उसको स्टार्ट करते हैं, अगर डोमेन अलग कंपनी का है, होस्टिंग अलग कंपनी का, तो कैसे उसको कनेक्ट किया जाता है, कैसे काम किया जाता है उसके बारे में बताऊंगा, इंस्टॉल करना है SSL तो वो कैसे किया जाता है, सी पैनल से डायरेक्ट कैसे होता है, और अगर आपके सी पैनल में वो फीचर नहीं है तो आप फ्री में SSL को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, वो भी आपको बताने वाला हूँ, हाउ टू इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली और सी पैनल के थ्रू, मैं आपको दोनों प्रोसेस बताने वाला हूँ कि एप्लीकेशन के थ्रू कैसे इंस्टॉल किया जाता है और मैनुअल करना हो तो मैनुअल भी कैसे इंस्टॉल किया जाता है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ मैं इस वीडियो को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल डीप में इस वीडियो में हम सब कुछ जानने वाले हैं। एक बिल्कुल नया यूजर जो वर्डप्रेस के बारे में कुछ नहीं जानता, वो इस वीडियो को देखने के बाद बहुत ही आसानी से वर्डप्रेस के ऊपर सब कुछ कर सकता है। ये मेरा मेन मोटिव है कि मैं इस वीडियो को बनाने के बाद जो भी इस वीडियो को देखे उसको वर्डप्रेस की दूसरी वीडियो सर्च ना करनी पड़े, इसलिए मैं इस वीडियो में सब कुछ डिटेल में आप लोगों को बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के बाद वर्डप्रेस का कंप्लीट ओवरव्यू, उसके डैशबोर्ड का ओवरव्यू, उस पूरे डैशबोर्ड में जो जो से भी सेक्शन होते हैं उसका क्या यूज़ है, किस लिए बना है, सब कुछ आपको मैं बताने वाला हूँ। उसके बाद जो उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, थीम प्लगइन्स कैसे इंस्टॉल किए जाते हैं, थीम की कस्टमाइजेशन कैसे होती है, एक आपको प्रोफेशनल वेबसाइट बनानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, कौन से थीम बेस्ट हैं, कौन से प्लगइन बेस्ट हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा, और एक पेड थीम और प्रो प्लगइन यूज़ करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं आपकी वेबसाइट में, उन सब के बारे में। इस वर्डप्रेस के ट्यूटोरियल को देखने के बाद आप किस तरह की वेबसाइट बना सकते हैं, कौन कौन से काम कर सकते हैं, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। ब्लॉग क्रिएशन हो सकता है, ई कॉमर्स ऑनलाइन स्टोर आप बना सकते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग की वेबसाइट बना सकते हैं, बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, या फिर किसी भी तरह की ऐसी वेबसाइट जो आप सोच रहे हैं वो वर्डप्रेस पे बना सकते हैं, बिल्कुल पॉसिबल है ये। और उसके बाद जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, वेबसाइट बनने के बाद आपकी वेबसाइट में जो इंपॉर्टेंट प्लगइन्स होते हैं वर्डप्रेस के लिए वो कौन कौन से ज़रूरी होने चाहिए, क्योंकि अगर हम एक साइट की बात करें तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है उसकी सिक्योरिटी और उसकी स्पीड। सिक्योरिटी इसलिए ज़रूरी है ताकि आपकी वेबसाइट कोई हैक ना कर सके, उसको कैसे बचाया जा सकता है उसके बारे में, प्लस आपकी साइट की जो स्पीड है वो बिल्कुल अच्छी होनी चाहिए ताकि यूज़र आए वो फटाफट आपकी वेबसाइट को एक्सेस कर सके, उसको वेट ना करना पड़े, क्योंकि ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती हैं, ये सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। उसके बाद जो कि SEO की इंपॉर्टेंट सेटिंग्स होती हैं, SEO के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है,
क्या क्या करना पड़ता है, सर्च कंसोल, एनालिटिक्स, साइट सबमिशन, सब कुछ आपको पूरा इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। और लास्ट में इस वीडियो का कंक्लूजन रहेगा, मेरी तरफ से आप लोगों को टिप्स रहेगी कि वर्डप्रेस आप लोगों के लिए क्यों जरूरी है और आपको वर्डप्रेस क्यों यूज करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, ये हमारे वर्डप्रेस बिगिनर टू एडवांस ट्यूटोरियल का पूरा ओवरव्यू है इस वीडियो में, जो जो चीजें हम कवर करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ ये सब कुछ देखने के बाद आप समझ गए होंगे कि इस वीडियो में आपको कितना क्वालिटी कंटेंट मिलने वाला है। आप लोग भी ये सब कुछ बहुत आसानी से सीख सकते हैं, कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। वर्डप्रेस बना ही इसलिए है कि आपको कुछ कोडिंग ना करनी पड़े, सिर्फ प्लग एंड प्ले करना पड़ेगा और आप अपने वेबसाइट अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसी बात पे अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ट्यूटोरियल, व्हाट इज वर्डप्रेस, वर्डप्रेस क्या चीज़ होती है। वैसे आप लोग मोस्टली अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वर्डप्रेस के बारे में थोड़ा बहुत तो जानते ही होंगे, बिल्कुल फ्रेशर तो वर्डप्रेस के बारे में फाइंड भी नहीं करेगा। जिसको थोड़ा बहुत पता होगा कि वर्डप्रेस ऐसे ऐसे इसमें साइट, जिसको थोड़ा बहुत भी पता होगा कि वर्डप्रेस पे साइट बनती है, ऐसे करके लोग ब्लॉगिंग करते हैं, तो मैं उनको बता दूं वर्डप्रेस एक CMS है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसमें कि आप लोग खाली कुछ प्लग एंड प्ले करके कंटेंट को इजीली मैनेज कर सकते हो, किसी भी तरह के फीचर्स को बना सकते हो, किसी भी तरह की आपकी रिक्वायरमेंट है प्लगइन्स के साथ प्ले करके आप अपने वेबसाइट को बहुत ही इजी हैंडल कर सकते हो। टोटली बस आपको, जैसे कि आपको कुछ आपके अबाउट अस अपने बारे में लिखना है, आपको सिंपल एक टेक्स्ट एडिटर मिलेगा, आपको सिर्फ अपना टेक्स्ट डालना है, आपकी वेबसाइट पे पब्लिश करना है, आपकी वेबसाइट लाइव, कुछ ऐसे एडवांस फीचर ऐड करने हैं, कुछ गैलरी ऐड करनी है, आपको कुछ नहीं करना, बस सर्च करना है, वो प्लगइन उठाना है, एक्टिवेट करना है, अपनी वीडियो अपनी फोटोग्राफ्स को अपलोड करना है और आपका सब कुछ काम रेडी। तो एक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है ये, जिसमें कि आप बहुत ही इजी बस क्लिक क्लिक करके ही सब कुछ कर सकते हैं, आपको किसी भी एडवांस चीज़ की या फिर कोडिंग की, प्रोग्रामिंग की नॉलेज की जरूरत नहीं है, आपको CSS, HTML, JavaScript इन सब चीज़ों की नॉलेज की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल फ्री ओपन सोर्स है, आप इसको यूज़ कर सकते हो बहुत ही आसानी से। सेकेंड क्वेश्चन हमारा होता है कि वाई यूज़ वर्डप्रेस, हमें वर्डप्रेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है। वर्डप्रेस को यूज़ करने के पीछे बहुत सारे रीज़न हैं, जैसे कि मैं खुद अब अगर अपनी बात करूं तो मैंने भी जब स्टार्टिंग की थी तो मैं ब्लॉगर पे ही काम करता था। अगर मैं आपको दिखाना चाहूं यहाँ पे तो मेरी अभी करेंटली वर्डप्रेस पे ये वाली वेबसाइट चल रही है, जो कि इस टाइम वर्डप्रेस के ऊपर मैं बना चुका हूं। इससे पहले मेरी वेबसाइट ब्लॉगर के ऊपर ही थी, जो कि एक फ्री प्लेटफॉर्म है, फ्री होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, उसमें मेरी वेबसाइट कुछ इस तरीके से दिखती थी। मैंने इस पे ही अपना मेन डोमेन को सेटअप कर रखा था और मैं वर्डप्रेस की जगह पहले ब्लॉगर को यूज़ किया करता था। आखिर मुझे वर्डप्रेस पे मूव क्यों करना पड़ा। सबसे पहली बात तो यहाँ पे मुझे कोई कस्टमाइजेशन का ऑप्शन नहीं मिलता, बाय डिफ़ॉल्ट जो चीज़ बनी बनाई है इसके अंदर, खाली मैं उसके अंदर अपने कंटेंट और इमेज को डाल के ही प्ले कर सकता हूँ। अगर मैं चाहूँ कि मुझे कुछ यहाँ पे चेंज करना है, कुछ वहाँ पे चेंज करना है, कुछ एक्स्ट्रा मुझे फीचर्स ऐड करने हैं, तो ब्लॉगर मुझे ये छूट नहीं देता, उसमें रिस्ट्रिक्शंस हैं बहुत सारी, उसमें आप ज़्यादा काम नहीं कर सकते अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे वर्डप्रेस पे आने के बाद मैं टोटली अपने अकॉर्डिंग अपना डिज़ाइन बना सकता हूँ, अपने अकॉर्डिंग अपने फीचर्स को ऐड कर सकता हूँ, चाहे मुझे फॉर्म ऐड करना हो, मेन्यू को प्ले करना हो, कुछ सेक्शन क्रिएट करने हो, वीडियोग्राफ्स डालनी हो, कुछ मुझे प्रमोशन का ऑफर बनाना हो, या फिर मुझे अपना कस्टमाइज फुटर बनाना हो, मुझे ब्लॉगर में ये छूट नहीं मिलती है। ब्लॉगर में बना बनाए डिज़ाइन होता है, उसी पे मुझे प्ले करना होता है। वर्डप्रेस हमारा PHP लैंग्वेज बना हुआ एक प्लेटफॉर्म है, और वहीं अगर हम ब्लॉगर की बात करें तो ये हमारा XML प्लेटफॉर्म है, जिसमें आप ज़्यादा छेड़खानी नहीं कर सकते। PHP की अगर आपको थोड़ी बहुत भी नॉलेज है तो आप वर्डप्रेस में बहुत कुछ कर सकते हैं, इसके अंदर की भी जो चीज़ें आपको मिलती हैं उसमें भी आप चेंजेस करके बहुत कुछ काम कर सकते हैं। अब वर्डप्रेस को यूज़ हमें क्यों करना चाहिए ये भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैंने अपनी वेबसाइट को ब्लॉगर से वर्डप्रेस पे मूव किया, उसके पीछे क्या क्या रीज़न थे, चाहे वो उसके डिज़ाइन को लेके हो, उसके इंटरफेस को लेके हो, उसमें फीचर्स को लेके हो, या फिर उसमें कुछ ऐसे मुझे एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड करने हो, कुछ एडिशनल चीज़ें मुझे ऐड करनी हो, उसके लिए मैंने यूज़ किया। साथ ही साथ आपको वर्डप्रेस पे मूव करने के पीछे और भी रीज़न होते हैं, स्पीड की सबसे बड़ा मैटर करता है। वर्डप्रेस पे आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं, और वहीं ब्लॉगर पे आप करना चाहें तो ये पॉसिबल नहीं होता। बहुत ज़्यादा आपको अगर नॉलेज है ब्लॉगर की, बहुत ज़्यादा आपको अगर प्ले करना आता है हर चीज़ के साथ, तब जाके आप थोड़ा बहुत ही कर पाएंगे। तो वहीं अगर बात करें यहाँ वर्डप्रेस की, तो वर्डप्रेस के अंदर आपको इमेज ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव करने के लिए, उसके जितने भी कोडिंग होते हैं उसको जिप करने के लिए, मतलब बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जिसकी हेल्प से आपकी वेबसाइट की स्पीड बहुत अच्छी हो जाती है, उसका लोड टाइम बहुत अच्छा हो जाता है।
सो फ्रेंड्स, वर्डप्रेस हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके पीछे यही रीज़न है कि आपको पूरी वर्डप्रेस में छूट मिलती है। आप अपने अकॉर्डिंग, अपने हिसाब से सब कुछ कर सकते हैं। वहीं अगर आप फ्री प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो वहाँ आपको रिस्ट्रिक्शन मिलती है, वहाँ पे आप सारी चीज़ों के साथ प्ले नहीं कर सकते हैं। सो यहाँ पे अब हमारा थर्ड जो पॉइंट आता है कि वर्डप्रेस वेबसाइट बनाने के लिए आपको बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या क्या रहती हैं। तो यहाँ पे हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट्स रहती हैं एक डोमेन और एक होस्टिंग। आपको किसी भी तरह की वेबसाइट बनानी है, ब्लॉग करना है, कुछ भी अगर आपको ऑनलाइन करना है, अपने प्लेटफॉर्म को अगर ऑनलाइन लेके जाना है, चाहे वो आपकी बिजनेस वेबसाइट हो या फिर एक इन्फॉर्मेशन की वेबसाइट हो या ब्लॉगिंग हो या फिर ऑनलाइन स्टोर, आपको बेसिक डोमेन एंड होस्टिंग की रिक्वायरमेंट यहाँ पे रहती ही रहती है। यहाँ पे आपको बेसिक एक इनिशियल लेवल पे इन्वेस्टमेंट करना जरूरी होता है और कंपलसरी रहता है। फ्री प्रोसेस में और पेड प्रोसेस में क्या फ़र्क रहता है, मैं आपको यहाँ पे पूरा क्लियर कर देता हूँ। आप एक फ्री प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं ये सोच के कि आपके पास जब अर्निंग स्टार्ट होगी तब आप इसमें इन्वेस्टमेंट करके ले लेंगे, मगर ये सबसे बड़ी भूल होती है जो कि मोस्टली ब्लॉगर या मोस्टली ऑनलाइन अर्निंग करने वाले कर देते हैं। क्योंकि वो सोचते हैं हमारा फ्री में सब कुछ मिल रहा है, बस हमें वेबसाइट बनानी है, मेहनत करनी है और हमारा जब अर्निंग स्टार्ट होगी हम कर लेंगे। मगर आप लोग ये नहीं समझते हैं कि उस फ्री के चक्कर में आप कितना वेट कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं, उसके बाद भी सही से उसका ऑप्टिमाइजेशन ना करने की वजह से, सही से उसको रैंक ना कराने की वजह से आपको कितना वेट करना पड़ रहा है अर्निंग स्टार्ट करने के लिए। वहीं यहाँ पे अगर आप स्टार्टिंग में फ्री की जगह पेड मेथड को यूज़ करते हैं तो आपकी जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वजह से आपकी जो मेहनत है वो कम हो जाती है, आपको रैंक कराना बहुत आसान रहता है, सब कुछ आप कस्टमाइज कर सकते हैं और आपने सही डायरेक्शन पे सही तरीके से काम किया तो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है, आप वहाँ पे फ्री में काम कर रहे थे, पूरा एक साल आपको वेट करना पड़ जाए शायद उससे भी ज़्यादा, मगर यहाँ पे अगर आपने स्टार्टिंग सही जगह से की है, सही प्लेटफॉर्म से की है, सही इन्वेस्टमेंट सही टाइम पे करी, सही जगह पे करी, तो आपको उसका रिटर्न मिलना भी टाइम से स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपकी होस्टिंग जो है आपने एक तरह से वो इन्वेस्टमेंट है, किसी भी तरह के बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, तो ये तो आपका सिर्फ एक छोटी सी अमाउंट है। सो मेरे अकॉर्डिंग आपको एक राइट प्लेटफॉर्म को चूज़ करना बहुत ज़रूरी होता है और वर्डप्रेस बहुत ही राइट प्लेटफॉर्म है। अगर आप किसी भी तरह का काम करना चाहते हैं उसके लिए आपको बस एक होस्टिंग और डोमेन की ज़रूरत होती है। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक दे दूंगा, एक बेस्ट डील चल रही है इस टाइम होस्टिंगर के ऊपर, वहां से जाके आप होस्टिंग को बाय कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप पूरे साल के लिए होस्टिंग को बाय करते हैं तो आपको डोमेन नेम भी फ्री मिलता है, साथ ही साथ आप उसके ऊपर अनलिमिटेड वेबसाइट को भी मैनेज कर सकते हो और सबके लिए आपको SSL फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है और एक डोमेन भी आपको फ्री मिल जाएगा। और साथ ही में ही अगर आप वहां पे मेरा दिया हुआ कूपन कोड यूज़ करेंगे वेब टेक्निकल टिप्स तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मैंने लिंक डाल दिया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जब आप लोग जाएंगे तो आपको कुछ इस तरह का एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको इस तरह का एक इंटरफेस मिलेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं 59 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको होस्टिंग प्लान मिल जाता है, जो कि एक बहुत ही नॉमिनल सा प्राइस है अगर आप अपने बिजनेस को ऑनलाइन ले जा रहे हैं, जिसमें कि आपकी ये एक बिजनेस की इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पे आके आपको बहुत सारे प्लान मिल जाते हैं, आपके ऊपर है कि आप किस तरह का प्लान को सेलेक्ट करना चाहते हैं और किस तरह से अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ करना चाहते हैं। अगर आपका बिल्कुल मिनिमम बजट है तो आप स्टार्टअप लेके चल सकते हैं, बिल्कुल बेसिक सा प्लान लेके चल सकते हैं जिसमें आप एक सिंगल वेबसाइट को होस्ट कर सकते हैं, मगर मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप ये वाला प्रीमियम वेब होस्टिंग का प्लान ही सेलेक्ट करें, क्योंकि इसके अंदर आपको इसकी जो डिस्क स्पेस है वो भी ज़्यादा मिलता है, काफ़ी सारी वेबसाइट इसके अंदर आप होस्ट भी कर सकते हो, प्लस यहाँ पे अनलिमिटेड बैंडविड्थ का आपको ऑप्शन मिलता है। अगर आप वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक ले आते हो तो ये यहाँ पे अनलिमिटेड जो आपकी वेबसाइट का जो ट्रैफिक है उसको हैंडल कर सकता है। साथ ही साथ यहाँ पे वर्डप्रेस एक्लेरेशंस का भी आपको ऑप्शन मिलता है फ्री SSL, एंड अगर आप साल भर के लिए होस्टिंग को बाय करते हो तो आपको डोमेन भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं मतलब काफ़ी सारे फीचर्स हैं इनके, आप इनके सारे फीचर्स को डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पे आगे आप देख सकते हैं आपको जो जो ऑप्शन यहाँ पे मिलते हैं, लाइट स्पीड कैशे का ऑप्शन मिलता है, क्लाउड फ्लेयर का ऑप्शन मिलता है, 24/7 365 डेज आपको सपोर्ट मिलता है यहाँ पे, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है किसी भी होस्टिंग कंपनी के लिए, क्योंकि अगर आप जब भी होस्टिंग बाय करते हो कुछ ना कुछ उसमें छोटे मोटे सपोर्ट के लिए बात करनी पड़ जाती है कई बारी, तो यहाँ पे 24 घंटे अगर आपके पास कोई ना कोई पर्सन है आपको रिस्पॉन्स करने के लिए, आपकी प्रॉब्लम को देखने के लिए, तो एक बहुत अच्छी बात रहती है। तो मेरे हिसाब से अगर आप बिल्कुल स्टार्टअप हो और आपको बिजनेस को स्टार्ट करना है तो ये होस्टिंग प्लेटफॉर्म से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं है। यहाँ पे आप आके देख सकते हैं कितने नॉमिनल से प्राइजेस हैं सिंगल वेबसाइट के लिए, मल्टी वेबसाइट के लिए, और उसके अपग्रेड प्लान यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपकी टोटली रिक्वायरमेंट क्या है, कितनी वेबसाइट आप मैनेज करना चाहते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे आप देख सकते हैं, और काफ़ी सारे ऑप्शन भी आपको मिलते हैं। देखिए अनलिमिटेड SQL का आपको ऑप्शन मिलता है, DNS मैनेजमेंट का आपको ऑप्शन मिलता है, 100 सब डोमेन, अनलिमिटेड FTP अकाउंट, फ्री डोमेन, वीकली बैकअप,
तो मतलब यहाँ पे आप आकर देख सकते हैं। आपको मैं सजेस्ट करूँगा, मेरे हिसाब से प्रीमियम वेब होस्टिंग आपके लिए बेस्ट रहेगी। अगर आप प्रीमियम वेब होस्टिंग लेते हैं, यहाँ पे ऐड टू कार्ट पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे आपको और एडिशनल डिस्काउंट कैसे मिल सकता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आके आप लोग देख सकते हैं कुछ इस तरह से इनके प्लान हैं। यहाँ पे अगर आप इनका साल का प्लान लेते हैं तो आपको SSL तो लाइफ टाइम फ्री मिलता ही है, साथ में आपको एक डोमेन भी फ्री मिलता है। आप यहाँ पे अपना कोई भी डोमेन जो भी आप सोच के बैठे हो, जिसके ऊपर आप काम करना चाहते हो, वो यहाँ पे टाइप करके उसको फाइंड कर सकते हो, उसका एक्सटेंशन सेलेक्ट कर सकते हो और उसको फ्री ऑफ कॉस्ट क्लेम कर सकते हो। इतना ही नहीं, जब ये सब कर लेंगे उसके बाद आप यहाँ पे एडिशनल अगर आप डिस्काउंट चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मैं कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये रहा वो कूपन कोड वेब टेक्निकल टिप्स, इसको आप सिंपली यहाँ पे पेस्ट करेंगे तो आपको एक एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो यहाँ पे आपने देखा मात्र 3,000 रुपये के अंदर आपको पूरे साल भर की होस्टिंग मिलती है, साथ ही साथ आपको डोमेन भी फ्री मिलता है, SSL भी फ्री मिलता है, CDN भी आपको मिलता है, वीकली बैकअप का आपको ऑप्शन भी मिलता है, लाइट स्पीड कैशे का ऑप्शन आपको मिलता है, मतलब इतने सारे ऑप्शन आपको मिलते हैं, 24/7 का आपको सपोर्ट मिलता है। और आपको क्या चाहिए, 3,000 रुपये के हिसाब से अगर आप देखें तो मात्र आपके 300 रुपये भी महीने का नहीं पड़ता है, महीने का 300 रुपये भी आपका खर्चा नहीं है। और आप देखिए, आप अपने ऑनलाइन बिजनेस की यहाँ पे स्टार्टिंग कर रहे हैं, उसको आप समझ सकते हैं कि एक तरह से आप ये इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, जो कि बहुत ही जरूरी है आपकी ऑनलाइन ग्रोथ के लिए, आपकी ऑनलाइन अर्निंग के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर आप एक स्टार्टर हैं, बिजनेस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा एक अच्छी होस्टिंग आपके लिए बहुत जरूरी है, एक राइट प्लेटफॉर्म आपके लिए बहुत जरूरी है। वर्डप्रेस आप सेलेक्ट कर रहे हो, मगर उसके साथ साथ एक अच्छी होस्टिंग भी आपके लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे मैंने आपको पूरा प्रोसेस बता दिया है किस तरीके से आप साल भर का अगर प्लान लेते हैं तो आपको डोमेन भी फ्री मिलता है, प्लस अगर आप साइड में यहाँ पे जो आपको कूपन डिस्काउंट का ऑफर मिल रहा है, यहाँ पे मेरा कोड डालेंगे आप, वहाँ पे वेब टेक्निकल टिप्स डाल के आप एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। और मात्र 3,000 रुपये के आसपास आपको पूरे साल भर की आपको होस्टिंग मिल जाती है। वही अगर आप इसका और अपग्रेड प्लान लेते हैं, या फिर और प्लान को आप बढ़ाते हैं 2 साल के लिए, या फिर यहाँ पे 48 मंथ का भी आपको ऑप्शन मिलता है 4 साल के लिए, तो भी आप देखिए 4 साल के लिए भी अगर आप लेते हैं तो भी आपके मात्र 6,000 रुपये के आसपास ही लगते हैं, 6,200 रुपये के आसपास लगते हैं, और 4 साल के लिए आपके बिल्कुल टेंशन फ्री, आप अपना आराम से काम कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया कि एक वर्डप्रेस की वेबसाइट को स्टार्ट करने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट जो रहती है वो क्या रहती है। अब हमारी फोर्थ रिक्वायरमेंट रहती है कि SSL को कैसे इंस्टॉल करते हैं, अगर हम सेम होस्टिंग में ही हमारा डोमेन है और होस्टिंग है तो कैसे बाय करते हैं, और अगर फ्री मेथड भी अगर आपको लेना है तो वो कैसे आप बाय कर सकते हो। तो यहाँ पे जैसे कि मैंने बोला कि आपने यहाँ से बाय किया तो आपको डोमेन फ्री मिल रहा है, तो अगर आप, मैं मान के चलता हूँ, आपने यहाँ से बाय कर लिया है, आपका सेम ही अकाउंट में होस्टिंग है और सेम ही अकाउंट में आपका डोमेन है, तो उस कंडीशन में आपको कैसे करना है पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने होस्टिंगर से एक डोमेन होस्टिंग बाय कर रखा है, तो उसी पे मैं आपको पूरा प्रोसेस करके दिखाने वाला हूँ इस ट्यूटोरियल में, कैसे हम सब कुछ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं होस्टिंगर को फाइंड कर लेता हूँ, hostinger.in। जिस टाइम आप होस्टिंगर से अपनी होस्टिंग को बाय कर लेंगे, उस टाइम पे आप कुछ क्रेडेंशियल बनाएंगे, अपने अकाउंट वहाँ पे बनाएंगे, तो आपको सिंपली यहाँ पे लॉगिन पे करना है क्लिक, एंड यहाँ पे आने के बाद आपको जो भी क्रेडेंशियल आपने उस टाइम डाला होगा आपको वो डालना है, यहाँ पे लॉगिन करना है। सो फ्रेंड, जैसे आप लोग क्रेडेंशियल से जब लॉगिन कर लेंगे तो कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपको दिखेगा, जो कि आपने डोमेन वहाँ पे क्लेम किया होगा वो डोमेन आपको यहाँ पे ऊपर ही दिखेगा। ये मैंने डोमेन ऑलरेडी इसका सेटअप कर दिया है, तो जिस टाइम आप यहाँ पे डोमेन के सेटअप पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद वो आपसे आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा, आपका नाम, आपकी ईमेल आईडी, आपका एड्रेस, आपका बिजनेस का नाम, ये सब चीज़ें बेसिक इन्फॉर्मेशन जैसे आप फिल कर देंगे, ओके कर देंगे, देन उसके बाद वो सेटअप हो जाएगा और इस तरीके से नीचे यहाँ पे शो होने लग जाएगा, जिसके अंदर मैनेज करने पे, मैनेज पे क्लिक करने के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या चीज़ें करनी होती हैं। ये आपका डोमेन मैनेजमेंट का एरिया है, जहाँ पे आपको आपके डोमेन्स की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसका स्टेटस, उसका रजिस्ट्रेशन और उसकी एक्सपायरी डेट, उसमें आपने प्राइवेसी प्रोटेक्शन ली है या नहीं ली है वो आप दिखा सकते हैं, यहाँ पे डोमेन लॉक ऑन है ऑफ है वो आप दिखा सकते हैं, आपकी सीक्रेट की होती है वो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दूँ, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं नेम सर्वर बाय डिफॉल्ट, क्योंकि मैंने यहीं से होस्टिंग लिया और मुझे यहीं से डोमेन लिया है मैंने, तो इन्होंने बाय डिफॉल्ट इसको सेटअप कर दिया है उनकी करंट होस्टिंग के नेम सर्वर के साथ। यहाँ पे ये होस्टिंगर का नेम सर्वर है जो कि डला हुआ और कनेक्टेड है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने होस्टिंग बाय कर रखी कहीं और से और आपका डोमेन है होस्टिंगर से, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पे मैं जो एग्जाम्पल दे रहा हूँ उसको आपको ध्यान रखना है, मैं होस्टिंगर से डोमेन ले रखा है और होस्टिंग मेरी जो है वो किसी और कंपनी से है, कोई भी कंपनी हो सकती है, ब्लू होस्ट, साइड ग्राउंड या फिर किसी भी कंपनी से।
तो उस कंडीशन में मुझे क्या करना पड़ेगा अपनी उस होस्टिंग से अपने डोमेन को कनेक्ट करने के लिए। जैसे यहाँ पे नेम सर्वर वन डला हुआ है ns1dnsparking.com, मुझे यहाँ से इसको हटा देना होगा। यहाँ से हटा के मुझे मेरा, अगर फॉर एग्जांपल ब्लू होस्ट से मैंने ले रखा है तो ब्लू होस्ट होस्टिंग का भी अपना नेम सर्वर होगा। जब आप होस्टिंग बाय करते हैं किसी भी कंपनी से तो वहाँ पे आपको उस होस्टिंग के नेम सर्वर मिल जाते हैं, आपकी मेल पे भी आते हैं और आपके होस्टिंग के डैशबोर्ड पे भी आपको शो होते हैं। बस आपको वो दो नेम सर्वर वहाँ से पिक करने हैं और यहाँ पे डाल के इसको अपडेट कर देना है। जैसे ही आप ये प्रोसेस कर देंगे तो ये आपस में कनेक्ट होने में 24 आवर्स का टाइम बोलते हैं, मगर 24 आवर्स का टाइम नहीं लगता है, ये मोस्टली 5-10 मिनट या 15-20 मिनट में हो जाता है। तो ये प्रोसेस होता है एक डोमेन को होस्टिंग के साथ कनेक्ट करने का। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर सेम कंपनी से प्रोसेस है तो आपको कुछ भी नहीं करना पड़ता, उसमें बाय डिफ़ॉल्ट वो आपके डोमेन और होस्टिंग को कनेक्ट कर देते हैं। और अगर आपका सेम कंपनी से डोमेन होस्टिंग नहीं है तो उस कंडीशन में आपको क्या करना होता है, आपको अपने जिस भी कंपनी से आपने डोमेन ले रखा है उसके डोमेन मैनेजमेंट में आना होता है। वहाँ पे जितना भी इनका वहाँ पे नेम सर्वर का जो एरिया होता है उस एरिया में आके आपको आपकी होस्टिंग के नेम सर्वर, जो आपको जहाँ से आपने होस्टिंग बाय की होती है वहाँ से आपको नेम सर्वर मिलते हैं, आपकी मेल पे भी और आपके पैनल पे भी शो होते हैं, उन नेम सर्वर को आपके डोमेन वाले मैनेजमेंट वाले एरिया में आके पेस्ट करके बस अपडेट करना होता है और 24 आवर्स के लिए वो बोलते हैं आपको वेट करना होता है। वैसे 24 आवर्स का टाइम नहीं लगता। तो ये बेसिक सा प्रोसेस रहता है जब भी आपको डोमेन एंड होस्टिंग को कनेक्ट करना होता है। अब बात आती है SSL को कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं, सेम होस्टिंग है तो और फ्री मेथड है तो। तो यहाँ पे सेम होस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे होम पे जाता हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ये आपके ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। आपको सबसे पहले वर्डप्रेस प्रीमियम जो भी आपने होस्टिंग ले रखी होगी उसके आगे यहाँ सेटअप का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे आपको क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ पे करना है क्लिक। यहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। अगर आपका सेम नेम से सेम होस्टिंग से डोमेन बुक हो रखा होगा तो आप सेम वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, आपको जो भी डोमेन होगा आपको दिख जाएगा यहाँ पे। और अगर आपका सेम होस्टिंग से डोमेन नहीं है, सेम कंपनी से नहीं है, तो आप यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सेलेक्ट कर लिया इसको क्योंकि मेरा सेम कंपनी से सब कुछ है। अब वो पूछ रहा है विच वे डू यू वॉन्ट टू गो। अब आप यहाँ पे माइग्रेट करना चाहते हैं अपनी करंट वेबसाइट को या फिर एक नई वेबसाइट को बिल्ड करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ पे न्यू सेलेक्ट कर लिया है, मैं नई वेबसाइट से स्टार्ट करना चाहता हूँ। अब वो मुझे बोल रहा है कि यहाँ पे क्योंकि मैंने जो होस्टिंग ले रखी है वो वर्डप्रेस होस्टिंग ले रखी है तो बाय डिफ़ॉल्ट ही इसने वर्डप्रेस का ऑप्शन मुझे दे दिया है। अगर आप वर्डप्रेस होस्टिंग नहीं भी लेते हैं, नॉर्मल होस्टिंग लेते हैं, तो भी यहाँ पे आपको ऑप्शन आएंगे वर्डप्रेस, वर्डप्रेस के साथ आपको ऑप्शन आएगा वर्डप्रेस प्लस वूकॉमर्स, उसके साथ आपको ऑप्शन आएगा जूमला, मतलब जितने भी और CMS एप्लीकेशंस होती हैं उन सबका आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो आपको वर्डप्रेस वाले सेक्शन पे क्लिक करके आपने आपको प्रोसीड करना है। सो क्योंकि मेरा ये वर्डप्रेस होस्टिंग ही है तो इसके अंदर बाय डिफॉल्ट मेरा वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन हो रखा होगा। तो मुझे यहाँ पे अब क्या करना है, सिंपल मेरे को एक्सेस करने के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, ईमेल आईडी मेरी डली हुई है, ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे ये पासवर्ड मुझे बोल रहा है, कुछ पासवर्ड आप जो भी डालना चाहो पासवर्ड डाल सकते हो। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड पुट कर देता हूँ, उसके बाद कंटिन्यू कर देंगे कंटिन्यू। सो अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप जो हमारा आता है, विच लुक डू यू प्रेफर, किस तरह का आपको आपका डिज़ाइन चाहिए। यहाँ पे कुछ बाय डिफॉल्ट इनके टेम्पलेट्स हैं, इनमें से अगर आपको लगता है आपके मतलब का कोई टेम्पलेट है तो आप उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर और भी यहाँ पे ऑप्शन है वो भी देख सकते हैं, या फिर इस स्टेप को स्किप कर सकते हैं। आप टेम्पलेट को नहीं लेके भी आगे जा सकते हैं, बिना टेम्पलेट के भी आगे प्रोसीड कर सकते हैं। अब उसके बाद जो हमारा सेक्शन आता है वो सेक्शन रहता है हमारा, हमारा सर्वर कहाँ से लोकेट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई वेबसाइट बना रहा हूँ और मेरा जो मेन ऑडियंस टारगेट है वो है इंडिया, तो मैं इंडिया के नियर बाय जो इनका लोकेशन रहेगा सर्वर का उसको पकड़ूंगा। और अगर मेरी अगर ऑडियंस है USA की तो मैं टारगेट करूंगा जो US के नियर बाय सर्वर होंगे उसको पकड़ूँ। तो यहाँ पे आप क्लिक करके चेक कर सकते हैं कौन कौन से सर्वर इनके पास है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और सिंगापुर, एशिया। तो हम यहाँ पे एशिया को सिलेक्ट करेंगे, इंडिया को टारगेट करना है हमारे को, सेलेक्ट पे करेंगे क्लिक और करेंगे फिनिश सेटअप। सो फ्रेंड, जब तक ये आपकी फाइल को प्रिपेयर कर रहा है डैशबोर्ड पे, वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहा है, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। जैसे कि यहाँ पे हम वर्डप्रेस इंस्टॉल का प्रोसेस मैं आपको बताने वाला था, मगर उससे पहले मुझे वर्डप्रेस इंस्टॉल करना बहुत ज़रूरी है मेरे होस्टिंग के ऊपर। तो यहाँ पे SSL को कैसे इंस्टॉल किया जाता है cPanel के थ्रू और फ्री मेथड से, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर अभी यहाँ पे हमारा जो स्टेप चल रहा है वो वर्डप्रेस इंस्टॉल करने का स्टेप चल रहा है, जो कि डायरेक्ट फ्रॉम cPanel चल रहा है। तो ये हमारा डायरेक्ट हो जाए, उसके बाद मैं आपको मैनुअल भी बताऊंगा और SSL को कैसे आप
डायरेक्ट कर सकते हैं और होस्टिंग के थ्रू कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सो अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है यूर वेबसाइट इज़ रेडी। अब यहाँ पे नीचे आके आप अपनी वेबसाइट को देख सकते हैं, उसके डैशबोर्ड पे जा सकते हैं और कंट्रोल पैनल पे भी आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बार हम वेबसाइट के ऊपर एक्सेस करके देख लेते हैं। यहाँ पे क्लाइंट क्लिक करके ओपन लिंक इन न्यूज़ में कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो मेरा डोमेन था virendrajaiswal.com, ये इस तरह से बाय डिफॉल्ट जो वर्डप्रेस की करंट थीम है 2020 आई थिंक उसके ऊपर ये ओपन हो चुका है। अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं ये विदाउट SSL हमारा ओपन हुआ है, यहाँ पे कोई SSL अभी हमारा नहीं लगा है। सो फ्रेंड्स, ये आपका वर्डप्रेस डैशबोर्ड का एरिया होता है। यहाँ पे आके आप अपनी वेबसाइट के अंदर कुछ भी एडिट कर सकते हैं। इसको एक बार हम देख लेते हैं, और साथ ही साथ ही हमारा कंट्रोल पैनल का भी सेक्शन यहाँ पे दे रखा है, इस पर क्लिक करते हैं एक बारी। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख रहे हो हमारा जो डैशबोर्ड का एरिया पूरा आ चुका है, और यहीं पे आप देख रहे हैं ये ऑप्शन आपको मिलता है एडिट वेबसाइट का, जिस पे क्लिक करके आप वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुँच सकते हैं। ये देखिए, ये हम अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे पहुँच गए हैं, जहाँ पे हम डिटेल में सब कुछ अभी करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, ये बेसिकली मैं आपको दिखा रहा था कि वर्डप्रेस का जो डैशबोर्ड का एरिया रहता है वो कैसा रहता है, और जो हमारा मेन सी पैनल का एरिया रहता है, बेसिकली सी पैनल तो दूसरा होता है, ये होस्टिंगर का अपना कस्टमाइज पैनल है, तो इन्होंने पूरा सब कुछ अपना खुद का कस्टमाइजेशन कर रखा है। तो यहाँ पे इस तरह से इनका अपना खुद का पैनल है। अब यहाँ पे SSL कैसे एक्टिवेट करना है, उसके लिए यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि Force HTTPS अभी इनएक्टिव है, इसको हमें एक्टिव करना है, मगर उससे पहले हम SSL को एक्टिवेट कर लेते हैं। तो उससे पहले यहाँ पे हम देखते हैं हमारा लाइट स्पीड ऑन है, SSL अभी हमारा ऑन नहीं है, तो हम SSL को भी ऑन कर लेते हैं, इसका सेटअप कर लेते हैं। इस पर मुझे करना है क्लिक। यहाँ पे मेरा अभी जो SSL एक्टिवेट हो रहा है वो बाय डिफॉल्ट उसके पैनल से ही हो रहा है, ऑटोमेटिक हो रहा है, मैनुअल नहीं हो रहा है। तो ये ऑटोमेटिक प्रोसेस है वो मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे आपका डोमेन बाय डिफॉल्ट आ जाएगा जो भी आपने ऐड कर रखा होगा। एक्टिवेट पे करना है आपको क्लिक। तो यहाँ पे लिखा हुआ है SSL सर्टिफिकेट सेटअप सक्सेसफुली। तो ये देख रहे हैं एनेबल हो चुका है हमारा SSL। एक बार इस वेबसाइट को, जैसे कि जो ये अभी खुली थी, इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। ये आप देख रहे हैं मैंने जैसे ही रिफ्रेश किया तो ये HTTPS के साथ हमारी वेबसाइट ओपन हो रही है। यहाँ पे लॉक लग चुका है, नॉट सिक्योर नहीं दिखा रहा है। सो फ्रेंड्स, देख रहे हैं यहाँ पे आप हमारा HTTPS अनेबल हो चुका है बाय डिफॉल्ट, मैंने कुछ भी नहीं किया, ऑटोमेटिक प्रोसेस से ही हमारा SSL एक्टिवेट हो चुका है। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ, यहाँ पे आपको अपना ये Force HTTPS इसको अनेबल रखना होगा। इसको हम अनेबल कर लेते हैं। इससे क्या रहेगा कि आपकी वेबसाइट हमेशा HTTPS के साथ ही ओपन होगी, विदाउट HTTPS ओपन नहीं होगी। अगर कोई विदाउट HTTPS भी डालता है तो HTTP भी डालता है तो HTTPS में वो रिडायरेक्ट हो जाएगी, आपकी वेबसाइट मतलब HTTPS पे ही खुलेगी, जो कि गूगल की भी रिकमेंडेशन है और आपकी वेबसाइट के लिए भी अच्छा है। सो यहाँ पे हमारा HTTPS को हम ऑटोमेटिक कैसे सेटअप कर सकते हैं होस्टिंग के थ्रू, सी पैनल के थ्रू, वो मैंने आपको बताया। ऑलमोस्ट हर होस्टिंग कंपनी में ऐसा ही प्रोसेस रहता है, हर एक का अपना अपना पैनल रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हमारा था ऑटोमेटिक प्रोसेस कि SSL को कैसे हम एक्टिवेट करते हैं। फ्रेंड्स, मैं जानता हूँ वीडियो बहुत लंबी हो रही है, मगर मेरा काम ये है कि मैं इस वीडियो को पूरा डिटेल में बताऊँ, इसीलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोग अगर आपके पास टाइम नहीं है वीडियो को सेव कर लीजिए, जब टाइम हो तो पूरा डिटेल में ज़रूर देखना। मैं अपना पूरा डेडिकेशन के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, फुल टाइम आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग भी इस वीडियो को पूरा डिटेल में देखना ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो, आप जब काम करने बैठे सब कुछ स्मूथली कर सकें, आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। पर फिर भी अगर आप लोगों को कोई दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए आप लोगों को बैठा हूँ। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा, मेरा फ़ोन नंबर हो गया, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया या व्हाट्सएप हो गया, उसके थ्रू आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, और अगर आप कहीं फंसते हैं तो मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा। सो फ्रेंड्स, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी हम अपने नेक्स्ट प्रोसेस पे चलते हैं। सो फ्रेंड्स, ये तो था ऑटोमेटिक प्रोसेस जो कि पैनल के थ्रू होता है। अगर हमारे को मैनुअल करना पड़े, कुछ होस्टिंग ऐसी होती हैं वो आपको SSL प्रोवाइड नहीं करती, उसके लिए आपको एडिशनल पैसे देने पड़ते हैं, तब जाके आपको मिलता है। होस्टिंगर का फ़ायदा ये है कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट SSL भी प्रोवाइड कर देती है, इसीलिए कह रहा हूँ इससे बढ़िया होस्टिंग आप लोगों के लिए नहीं हो सकती। अगर आप एक स्टार्टअप हैं, अफोर्डेबल होस्टिंग है, बहुत रीजनेबल होस्टिंग है, सर्विस अच्छी है, सपोर्ट अच्छा है, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहाँ पर जाके आप बेस्ट डील को क्लेम कर सकते हैं, और चेकआउट के टाइम वेब टेक्निकल टिप्स कोड को डाल के एडिशनल डिस्काउंट भी ले सकते हैं। अगर अभी तक आपने होस्टिंग नहीं बाय करी है, फटाफट होस्टिंग को बाय कर लीजिए और अपने प्रोसेस को, ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे अब नेक्स्ट प्रोसेस आता है, हमारे को मैनुअल करना हो तो वो कैसे कर सकते हैं। मैंने अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर एक वीडियो बना रखी है SSL के ऊपर ही। यहाँ पे आप मेरे चैनल पे आएंगे,
आप यहाँ पे SSL फाइंड करेंगे तो आपको वो वीडियो बहुत इजीली मिल जाएगी। ये वाली वीडियो है इंस्टॉल फ्री SSL सर्टिफिकेट। इस वीडियो को आप देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद आप किसी भी वेबसाइट के ऊपर, किसी भी होस्टिंग के ऊपर SSL को बहुत आसानी से एक्टिवेट कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम। बाकी अगर प्रॉब्लम आती है आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मेरी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, उस पर भी आप मुझसे बात कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने आपको अभी तक ये सारे प्रोसेस बता दिए हैं, SSL का भी सारा प्रोसेस बता दिया है, डोमेन का भी मैंने आपको बता दिया है। अब ये बात आती है कि अगर हमारे को वर्डप्रेस को तो हमने यहाँ पे सी पैनल के थ्रू कर लिया, मैनुअल करना हो तो वो कैसे होता है, उसके लिए भी मैं आपको यहाँ पे एक चीज क्लियर बता दूँ। मैंने सारे स्टेप अपनी वीडियो के अंदर ऑलरेडी बना रखे हैं, मगर फिर भी अगर किसी को दिक्कत होती है तो मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी चैनल पे आने के बाद आप वर्डप्रेस को फाइंड करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली, ये मैंने एक वीडियो बना रखी है, ये भी 9 मिनट के आसपास की वीडियो है। इसके अंदर मैंने सब कुछ बता रखा है डिटेल में कि एक मैनुअल वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर मैं सारे प्रोसेस दोबारा दोबारा बताता रहूँगा ये तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, शायद आप लोग भी बोर हो जाएं, मगर मैं चाहता हूँ कि सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं फटाफट कवर करूँ। और अगर कुछ डिटेल में बताना भी है क्योंकि मैं एक प्रोसेस करके दिखा ही रहा हूँ जो कि आपको होस्टिंग के अंदर मिल जाता है, अगर मगर आपको मैनुअल करना पड़ जाए तो वो कैसे होता है, वो सब चीज़ें भी आपके लिए जाननी बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैंने जो वीडियो बना रखी है उन टॉपिक के ऊपर वो भी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, बता रहा हूँ। अगर आपको वो नहीं आता तो आप वहाँ जाके भी देख सकते हैं और सीख सकते हैं। तो यहाँ पे ये मैंने वीडियो बना रखी है इंस्टॉल वर्डप्रेस मैनुअली, इसको देख के भी आप जान सकते हैं कि वर्डप्रेस को मैनुअली कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी तक के हमारे ये टॉपिक कवर हो चुके हैं SSL और वर्डप्रेस तक। अब बात आती है वर्डप्रेस के कम्प्लीट ओवरव्यू की, वर्डप्रेस को समझने की, उसके डैशबोर्ड में एंट्री करने की। तो हम फटाफट अब वर्डप्रेस के डैशबोर्ड के ऊपर चले जाते हैं। ये हमारा वर्डप्रेस का डैशबोर्ड है, यहाँ पे कुछ प्लगइन डले हुए हैं और कुछ अपडेट्स आई हुई हैं, इनको फटाफट मैं हटा के एकदम बेसिक सा जो हमारा वर्डप्रेस होता है जब एक यूज़र स्टार्ट करता है वहाँ से हम इसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे प्लगइन में सबसे पहले जाते हैं और यहाँ पे मुझे अपना पासवर्ड डालना पड़ेगा जो मैंने जिस टाइम वर्डप्रेस का मैं सेटअप कर रहा था उस टाइम मैंने ये पासवर्ड वहाँ बनाया था। तो यहाँ पे मैं पासवर्ड डाल लेता हूँ अपना। सो यहाँ पे मैंने लॉगिन कर लिया है और प्लगइन वाले सेक्शन में मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। तो पहले तो ये जो फालतू चीज़ें आ रही हैं इनको यहाँ से हम हटा लेते हैं, हमें अभी फ़िलहाल कोई भी ऐसा प्लगइन या कोई भी चीज़ नहीं चाहिए। सो फ्रेंड्स देख रहे हैं हमारा प्लगइन वाला सेक्शन बिल्कुल क्लियर हो चुका है, एक भी प्लगइन हमने नहीं रखा हुआ है, सब कुछ बिल्कुल फ्रेश से लेके चलने वाले हैं। अब चलते हैं हमारे डैशबोर्ड के ऊपर। यहाँ पे आप जब डैशबोर्ड पे आएंगे तो यहाँ पे ये दो अपडेट दिखा रहा है, जो भी हमारी अपडेट्स आएंगे थीम के अंदर या फिर प्लगइन के अंदर, जब भी आप डैशबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपको इस तरह का ऑप्शन आ जाएगा अगर कुछ अपडेट आए होंगे तो। इस अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं एक बार फटाफट, और यहाँ पे हमारी दो थीम हैं, उन थीम के अंदर कुछ अपडेट आए हुए हैं, तो इसको पकड़ते हैं और अपडेट थीम पे कर देते हैं हम क्लिक। तो हमारे जो अपडेट्स आए थे वो भी हमने कर दिए हैं बिल्कुल क्लियर, कोई भी अब अपडेट हमारी वेबसाइट के अंदर नहीं है। सो बेसिक से बिल्कुल हम स्टार्ट करते हैं, अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे एंट्री करते हैं। यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो डैशबोर्ड कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा भरा हुआ। सबसे पहले आपको स्क्रीन ऑप्शन पे आना है और यहाँ पे आके ये सारी चीज़ें आपको हटा देनी है। साइट हेल्थ स्टेटस को आप ऑन रख सकते हैं, यहाँ पे बताता रहता है, कुछ इन्फॉर्मेशन रहती है कि कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हों वेबसाइट को इम्प्रूव करने के लिए, तो यहाँ पे बताता रहता है, इसको आप ऑन कर सकते हैं। बाकी सब कुछ आप हटा के बिल्कुल क्लीन रख सकते हैं। और हम स्टार्ट करते हैं सेटिंग से, सेटिंग पे आपको करना है क्लिक। सेटिंग पे क्लिक करेंगे सबसे पहले ऑप्शन आता है साइट टाइटल का और टैगलाइन का। यहाँ पे आप अपनी साइट का टाइटल कुछ भी डाल सकते हैं, जो भी आप डालना चाहें। फॉर एग्जांपल जैसे ये virinderjaiswal.com एक डोमेन है तो इसने बाय डिफ़ॉल्ट वही टाइटल उठा रखा है। अब मैं यहाँ पे अगर चेंज कर दूँ, मैंने कुछ इस तरीके से लिख दिया, या फिर मैं अगर यहाँ पे लिख दूँ वेब टेक्निकल टिप्स, मैंने ये टाइटल डाल दिया, और जो भी मेरी टैगलाइन हो उससे रिलेटेड मैं कुछ भी यहाँ पे डाल के चेंज कर सकता हूँ। और मुझे एक चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट के अंदर HTTPS को कर दिया है इनेबल, हमारी वेबसाइट के अंदर SSL एक्टिवेट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे भी इसको S और S दोनों जगह लगाना बहुत ज़रूरी है। साथ में यहाँ पे हमारा ईमेल एड्रेस का ऑप्शन आता है, जो हमने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था वो यहाँ पे दिखाता है। और यहाँ पे उसके नीचे थोड़ा आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ मेंबरशिप एरिया है, एनीवन कैन रजिस्टर पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो कोई भी आके यहाँ पे रजिस्टर कर सकता है। न्यू यूज़र डिफ़ॉल्ट रोल सब्सक्राइबर ही रहेगा, कोई भी यूज़र आएगा वो सब्सक्राइबर रहेगा। यूज़र को कैसे मैनेज करते हैं वो भी मैं अभी डिटेल में आपको बताने वाला हूँ। साइट की हमारी लैंग्वेज क्या रहेगी, हम यहाँ से अपनी लैंग्वेज को चेंज करना चाहें
चेंज कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बाय डिफ़ॉल्ट ये इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट ही रहता है, और टाइम जोन भी यहाँ पे आप अपना सेलेक्ट कर सकते हैं, आप जिस टाइम जोन के अकॉर्डिंग काम करना चाहते हैं। जैसे आप पोस्ट डालते हैं तो वो ऑटोमेटिक टाइम जोन ना उठाए, आपके अकॉर्डिंग टाइम जोन उठाए, तो आप यहाँ पर वो भी डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर अपना जो टाइम जोन है वो ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा टाइम जोन है एशिया के अंदर कोलकाता, ये हमारा टाइम जोन है कोलकाता का। इसको करने के बाद अब डेट फॉर्मेट वगैरह को छेड़ने की वैसे कोई ज़रूरत नहीं रहती है। अगर आपको लगता है आपको चेंज करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से उसका फॉर्मेट चेंज कर सकते हैं। मगर सेटिंग में आने के बाद ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी रहती हैं। इसको करने के बाद आपको सेव पे कर देना है क्लिक। जैसे ही आपने उसको चेंज किया, यहाँ पे आपसे ये लॉगिन करने के लिए दोबारा बोलेगा, क्योंकि अभी तक ये पहले HTTP पे चल रहा था, अब ये HTTPS हमने पीछे से चेंज कर दिया है अपने डैशबोर्ड में। तो अब यहाँ से हमारे को दोबारा एक बार लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद जब आप आएंगे यहाँ पे, ये आपने सेव पे एक बार दोबारा क्लिक करना है। उसके बाद आपको उसी के ठीक नीचे यहाँ पे सेक्शन आता है राइटिंग का। राइटिंग पे जब भी आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट कुछ सेक्शंस होते हैं। जैसे राइटिंग सेटिंग में डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी हमारी क्या रहेगी, वर्डप्रेस के अंदर अनकैटेगराइज एक डिफ़ॉल्ट पोस्ट कैटेगरी होती है। अगर आप जब भी कुछ पोस्ट लिखते हैं, कुछ ब्लॉगिंग करते हैं, कुछ नए आर्टिकल्स लिखते हैं, अगर आपने कोई कैटेगरी नहीं बना रखी है, नहीं सेलेक्ट करेंगे, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो अनकैटेगराइज कैटेगरी में ही लिस्ट हो जाता है। तो अगर आप यहाँ पे कैटेगरी बनाएंगे, कुछ कैटेगरी फॉर एग्जांपल यहाँ पे अनकैटेगराइज बाय डिफ़ॉल्ट होता है, और आपने एक कैटेगरी और बना दी, फॉर एग्जांपल फ़ोन नाम की आपने कैटेगरी बनाई है, तो यहाँ से आप वो कैटेगरी भी चेंज कर सकते हैं। जब आप कैटेगरी वहाँ बना देंगे, उनके डेटाबेस में स्टोर हो जाएगी कैटेगरी, तो यहाँ ड्रॉप डाउन में वो वाली कैटेगरी भी शो हो जाएगी। और बाय डिफ़ॉल्ट आप यहाँ से सेलेक्ट करके आपको बार बार कैटेगरी सेलेक्ट नहीं करनी पड़ेगी, और जो आप बाय डिफ़ॉल्ट अगर रख देंगे वही सिलेक्शन हमेशा हर टाइम होगा। इसी तरीके से आपका डिफ़ॉल्ट पोस्ट फॉर्मेट भी आता है। यहाँ पे स्टैंडर्ड असाइड चैट गैलरी लिंक, जिस टाइम आप पोस्ट करेंगे, एक आर्टिकल लिखेंगे, वहाँ पे ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, तो स्टैंडर्ड को ही रहने देना होता है, इसको छेड़ने की हमारे को ज़रूरत नहीं होती है। और ये पोस्ट वाया ईमेल का जो ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको नहीं छेड़ना है बिल्कुल। ये बाय डिफ़ॉल्ट जो आता है बिल्कुल ठीक आता है। इसमें पोर्ट वोट जितने भी लगे इनको आपको नहीं छेड़ना है, ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग होती है, इनको आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पे आपको वैसे राइटिंग में कुछ नहीं छेड़ना होता, तो जैसा है वैसे का वैसा रहने देना होता है। उसके बाद आता है रीडिंग का सेक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो आपकी लेटेस्ट पोस्ट होती है उसको सेलेक्ट किया गया होता है। फॉर एग्जांपल अगर आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं, आप खाली ब्लॉग लिखते हैं, आपका ब्लॉग दिखता रहता है, पुराने ब्लॉग पीछे जाते रहते हैं और फ्रेश ब्लॉग आपका टॉप पे दिखता है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वर्डप्रेस की सेटिंग होती है। मगर आप चाहते हैं कि आपका जब वेबसाइट खुले ब्लॉग ना दिखे, एक होम पेज हो आपके अकॉर्डिंग आपने जो डिज़ाइन किया हो। जैसे कि मैंने ये अपना ये डिज़ाइन कर रखा है ब्लॉग, जब कोई मेरी वेबसाइट खोलता है मेरे ब्लॉग नहीं, मैंने जो डिज़ाइन कर रखा है वो दिखता है, वो पूरा सेक्शन दिखता है। और ब्लॉग पे अगर क्लिक करूँगा तो ब्लॉग का एक अलग सेक्शन मैंने बना रखा है। तो उस केस में क्या होता है, यहाँ पे आपको अस्टेटिक पेज पे सिलेक्ट करना होता है, और यहाँ पे अभी कुछ भी नहीं दिखेगा क्योंकि हमने कोई पेज नहीं बनाया है। अगर मैं यहाँ पे जाके पेज क्रिएट कर लेता हूँ, ऐड न्यू कर देता हूँ, पेजेस में जाके ऐड न्यू कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, गैलरी, इस तरह के कुछ पेज मैं बना लेता हूँ, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन में, होम पेज के ड्रॉप डाउन में वो शो होने लग जाते हैं, होम पेज के ड्रॉप डाउन में आपको दिखने लग जाते हैं। तो आप फिर यहाँ पे आके, जैसे कि मैंने होम एक पेज बना रखा है और मैं जब कोई वेबसाइट खोले तो होम ही दिखना चाहिए, तो मैं यहाँ से ड्रॉप डाउन में होम को सिलेक्ट कर दूंगा, तो मेरा होम का पेज ही दिखेगा। जब भी मेरी वेबसाइट को ओपन करेगा virendrajaiswal.com, तो मेरे होम पेज ही खुलेगा, ब्लॉग ओपन नहीं होगा। उसी हिसाब से यहाँ पे पोस्ट पेज का भी ऑप्शन होता है। पोस्ट पेज पे भी आप जाके, जैसे कि मैं यहाँ पे जब पेज बनाऊंगा तो यहाँ पे होम, अबाउट, कॉन्टैक्ट, गैलरी, प्रोडक्ट्स और ब्लॉग, एक ब्लॉग नाम का पेज बनाऊंगा, और जब मैं यहाँ पोस्ट पेज पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मुझे वो चीज़ दिखेंगी। और मैं यहाँ से जब ब्लॉग सेलेक्ट करूँगा, उसके बाद मैं जब सेव करूँगा, तब मेरी वेबसाइट पे, जैसे फॉर एग्जांपल virendrajaiswal.com/blog, कोई ब्लॉग जब करेगा तब मेरे सारे ब्लॉग के सेक्शन दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे एक बारी करके दिखा देता हूँ। जैसे कि मैंने यहाँ ब्लॉग पे क्लिक किया, ये देखिए मुझे मेरे ब्लॉग इस तरीके से दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। स्लैश ब्लॉग करने पे मुझे मेरे ब्लॉग का दिखेगा, और अगर मैं यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट रीडिंग में होम पेज सेलेक्ट कर दूंगा तो मेरा होम पेज दिखेगा, ये इस तरह से होम पेज दिखेगा। और अगर मैं यहाँ से इस पर ब्लॉग कर दूंगा तो कोई ब्लॉग करेगा तो मेरे ब्लॉग दिखेंगे। अब यहाँ पे लिमिटेशंस होती हैं, ब्लॉग पेज शो एट मोस्ट 10, यहाँ से आप बढ़ा भी सकते हैं और घटा भी सकते हैं।
तो रीडिंग वाले सेक्शन में ये मेन चीज़ होती है आपके पेज को किस तरह से आप शो करना चाहते हैं, करवाना चाहते हैं अपने ब्लॉग को और पेज को, तो ये मेन सेटिंग होती है, इसको आपको करना होता है। इसके अलावा ये जो बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है इनको छेड़ने की जरूरत नहीं होती है। हाँ, अगर आप समटाइम चाहते हैं कि आप अपनी वेबसाइट पर प्रैक्टिस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं और गूगल उसको इंडेक्स ना करे ताकि आप जो काम कर रहे हैं वो आप ही को दिखे, किसी और को ना दिखे, तो यहाँ पे आपको इसको क्लिक कर देना होता है, जिससे क्या होता है कि एक रिक्वेस्ट जाती है सर्च इंजन के पास कि आप इस साइट को इंडेक्स ना करो। मगर ये श्योरिटी नहीं होती कि वो इंडेक्स होगा कि नहीं होगा, अब वो गूगल के ऊपर होता है, सर्च इंजन के ऊपर होता है कि वो उसको इंडेक्स करता है या फिर नहीं करता। तो ये करने के बाद आपको सेव पे करना होता है क्लिक। उसके बाद यहाँ पे अब डिस्कशन वाले सेक्शन में आ जाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है हमारी वेबसाइट का। वैसे तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे डिस्कशन जो सेटिंग होती है वो ओके रहती है, मगर समटाइम्स क्या होता है हमारे को कुछ चीज़ों में यहाँ पे एडवांस करने होते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम आते हैं ऊपर वाले सेक्शन में तो ठीक है, अब नीचे वाले सेक्शन में यहाँ पे आते हैं अदर कमेंट सेटिंग। कमेंट ऑथर मस्ट फिल आउट नेम एंड ईमेल, ये हमने मैंडेटरी कर दिया कि आपको नेम एंड ईमेल तो डालना ही पड़ेगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ यूज़र मस्ट बी रजिस्टर्ड एंड लॉग्ड इन टू कमेंट, अगर मैं ये कर दूंगा तो जब तक वो लॉग इन नहीं करेगा कमेंट नहीं कर सकता। ऑटोमेटिकली क्लोज कमेंट ऑन पोस्ट आफ्टर 14 डेज, तो मैं यहाँ से बहुत सारी चीज़ें अपने अकॉर्डिंग मैनेज कर सकता हूँ। ईमेल मी वेन एवर एनी वन पोस्ट कमेंट, कमेंट पे कोई पोस्ट करता है उसका कोई मोटिवेशन के लिए डालते हैं तो वो आपके पास प्रॉपर एक मेल जाएगी आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी में। जैसे कि मैंने इसमें अपनी मेल आईडी डाल रखी है, मेरे पास वो मेल आएगी अगर इस मेरी वेबसाइट के ऊपर कुछ कमेंट कोई करता है आर्टिकल्स के ऊपर। बिफोर अ कमेंट अपीयर, कमेंट मस्ट बी मैनुअली अप्रूव्ड, कमेंट ऑथर मस्ट हैव प्रीवियसली अप्रूव कमेंट, तो यहाँ पे अप्रूवल के लिए भी कुछ सेक्शन दे रखे हैं। अब कमेंट मॉडरेशन का यहाँ पे ऑप्शन आता है, कमेंट मॉडरेशन ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, मैं आपको थोड़ा इसके बारे में बता देता हूँ। कमेंट मॉडरेशन, जैसे कि आपकी वर्डप्रेस वेबसाइट होती है उसमें आप आर्टिकल लिखते हैं तो नीचे कमेंट का सेक्शन रहता है, तो मोस्टली लोग क्या करते हैं अपने वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए, अपने प्रोडक्ट्स को सेल करने के लिए स्पैमिंग शुरू कर देते हैं, किसी भी तरह के लिंक डाल देते हैं, कुछ भी बना के आपकी वेबसाइट के अंदर टेक्स्ट डाल के अपने आर्टिकल्स के लिंक डाल देते हैं, प्रोडक्ट के लिंक डाल देते हैं, कुछ भी बेचने के लिए वो अपनी वेबसाइट के लिंक को ऐड कर देते हैं, जो कि अच्छा नहीं है किसी भी एक वेबसाइट के लिए, स्पैमिंग में काउंट होता है ये। तो यहाँ पे मॉडरेशन का कुछ ऑप्शन मिल जाता है, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है होल्ड अ कमेंट इन द क्यू इफ़ इट कंटेन्स टू और मोर लिंक, जैसे कि कोई एक लिंक डालता है उसमें बड़े सारे लिंक बल्क में फेंक देता है अपने बैकलिंक बनाने के चक्कर में, क्योंकि अगर अप्रूव कर देंगे तो ऐसे उनको एक बैकलिंक मिल जाता है और हो सकता है कि वो साइट अच्छी ना हो, उसमें कुछ ऐसी चीज़ हो जो कि आपकी वेबसाइट के लिए अच्छी ना हो। तो इस केस में क्या होता है, यहाँ पे आप डाल सकते हैं, लिमिटेशन लगा सकते हैं, अगर एक लिंक भी आता है तो भी मॉडरेशन में जाए, दो आए, तीन आए, तो इस हिसाब से आप सेट कर सकते हो। और उसके नीचे यहाँ पे आता है कमेंट ब्लॉक लिस्ट का, यहाँ पे आप आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग, यूआरएल के अकॉर्डिंग उस वेबसाइट से कमेंट को ब्लॉक कर सकते हैं। ऐसे क्या होता है, बहुत से लोग स्पैमिंग करते हैं, वो स्पैमिंग आपकी वेबसाइट के लिए ठीक नहीं होता, आपकी वेबसाइट की रेपुटेशन ख़राब होती है उससे अगर वो एक्टिव हो जाए आपकी वेबसाइट के अंदर, तो ये सब चीज़ें कंट्रोल करना, यहाँ से आप कंट्रोल कर सकते हैं, आपको इन सब चीज़ों से उसको मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद ये बेसिक सी चीज़ें हैं, इनको छेड़ने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। और उसके बाद यहाँ पे आता है मीडिया का सेक्शन, यहाँ पे कुछ मीडिया के बाय डिफ़ॉल्ट साइज़ बने होते हैं, थंबनेल साइज़ इतना होगा, मीडियम साइज़ ये होगा, लार्ज साइज़ ये होगा, आप अपने अकॉर्डिंग अगर चेंज करना चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं, मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो साइज़ होता है वो ओके होता है, इसको आपको छेड़ना नहीं चाहिए। परमा लिंक बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन है आपकी वेबसाइट के लिए, यहाँ पे आने के बाद आप जैसे देखते हैं आप ब्लॉगर पे अगर काम करते हैं, कर चुके हैं अगर, तो आपको पता होता है ब्लॉगर का जो यूआरएल होता है वो बाय डिफ़ॉल्ट बनता है, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते। अगर चेंज करने की कोशिश करें आपको थोड़ी बहुत एक्सएमएल की नॉलेज होनी चाहिए तभी आप उस पर कर सकते हैं, और उसके बाद भी हो सकता है आपकी थीम के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम शुरू हो जाए। वर्डप्रेस आपको पूरी छूट देता है, अपने अकॉर्डिंग आप अपना कस्टम यूआरएल बना सकते हो, बाय डिफ़ॉल्ट यूआरएल बना सकते हो, डे एंड टाइम के साथ प्ले कर सकते हो, मंथ एंड नेम के साथ प्ले कर सकते हो, न्यूमेरिकल रख सकते हो, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लेन अगर आप कर देंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो आईडी बनती है उस आईडी के थ्रू यूआरएल आपका प्ले होगा, डे के हिसाब से, मंथ के हिसाब से, कोई न्यूमेरिक रखना है न्यूमेरिक रख सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट जो ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन रहता है मोस्ट ऑफ ब्लॉगर जो यूज़ करते हैं वो ये रहता है पोस्ट नेम के हिसाब से, आपको यहाँ पे सिंपल आपकी वेबसाइट का यूआरएल और आपके टाइटल का, आपकी जो पोस्ट का यूआरएल होता है उसका टाइटल होता है उसको ये ऑटोमेटिक पिक कर लेता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक आर्टिकल लिखा है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक और मैंने उसका स्लग भी वही टाइटल भी वही रखा है और स्लग भी मैंने रखा है हाउ टू क्रिएट बैकलिंक, तो यहाँ पे पोस्ट नेम सेलेक्ट करने के बाद मेरा बाय डिफॉल्ट जो यूआरएल बन जाएगा वो, क्योंकि यूज़र फ्रेंडली यूआरएल बन जाएगा वो ये रहेगा,
virenderjaiswal.com/how-to-create-backlink जो कि एक बहुत शॉर्ट यूआरएल है, अच्छा यूआरएल है, देखने में भी अच्छा लगता है और यूजर के लिए भी और सर्च इंजन के लिए भी ये यूआरएल बहुत अच्छा रहता है। ये एसईओ फ्रेंडली यूआरएल समझा जाता है, इसलिए आपको पोस्ट नेम को हमेशा सेलेक्ट करना चाहिए। बाकी आप चाहते हैं कस्टम करना तो यहाँ पे कस्टमाइजेशन के भी पूरे ऑप्शन है, ऑथर कैटेगरी, पोस्ट आईडी, सेकंड मिनट, आवर्स, डे, मंथ, ईयर, उसके अकॉर्डिंग भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। पोस्ट नेम पे करने के बाद आपको नीचे यहाँ पे इसको छेड़ने की जरूरत नहीं होती, आपको सेव चेंजेस पे कर देना है क्लिक। उसके बाद आपका सेटिंग्स के अंदर लास्ट ऑप्शन आता है प्राइवेसी का। आप यहाँ पे बाय डिफॉल्ट वर्डप्रेस में आपको प्राइवेसी का एक पेज मिलता है जो कि हमेशा ड्राफ्ट में रहता है, आपको उसको एक्टिव करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो यहाँ से आप प्राइवेसी का पेज अगर अपना कोई बना रखा है तो जैसे ही आपको पेजेस के यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं सिलेक्ट करने के, बाय डिफॉल्ट वो सिलेक्टेड रहता है, आप यूज़ दिस पेज करके उसको एक्टिव कर सकते हैं या फिर अपना एक नया बना के भी एक प्राइवेसी का पेज बना सकते हैं। तो ये बेसिक सी सेटिंग्स होती हैं वर्डप्रेस के सेटिंग वाले एरिया में। अब हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल टॉप से, पोस्ट, मीडिया, पेजेस, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, इनका क्या रोल होता है, इनको कैसे हम यूज़ करते हैं। स्टार्ट करते हैं अपने पोस्ट वाले ऑप्शन से। पोस्ट पे जब आप होवर करेंगे तो आपको यहाँ पे चार ऑप्शन मिलते हैं, ऑल पोस्ट, एड न्यू, कैटेगरी एंड टैग। ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपकी वेबसाइट के अंदर जितने भी आपने आर्टिकल लिखे हैं आज तक वो सारे वहाँ पे लिस्ट हो जाते हैं, आप वहाँ से उसको देख सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं, सारे ऑप्शन आपको मैनेज करने के वहाँ से आप मिल जाते हैं। उसके बाद आता है ऐड न्यू करने का। ऐड न्यू करते हैं तो आपको एक नया आर्टिकल लिखने का ऑप्शन मिल जाता है। ऑल पोस्ट पे अगर आप क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करके मैं आपको दिखा देता हूँ, तो यहाँ पे आपको आपके जितने भी आर्टिकल होंगे, बाय डिफॉल्ट हेलो वर्ल्ड के नाम से एक पोस्ट होता है जो कि वर्डप्रेस का बाय डिफॉल्ट पोस्ट है, ये वाला, ये आप देख रहे हैं, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। ऐसे आपने जितने भी आर्टिकल्स लिखे होंगे वो सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट होंगे, आप यहाँ पे उसको एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट कर सकते हो, उसको ट्रैश कर सकते हो या फिर क्लिक करके व्यू भी कर सकते हो। और यहाँ पे आपके ऑथर का नाम जो भी आपने सेट कर रखा हो वो आएगा, कैटेगराइज जो कि मैंने बताया था बाय डिफॉल्ट अनकैटेगराइज ही होता है वो आएगा, टैग अगर आपने डालेंगे तो टैग भी दिखेगा, नहीं तो टैग नहीं दिखेगा, और उस पर कोई कमेंट आया है तो यहाँ से आप कमेंट देख सकते हो, और कब वो पब्लिश हुआ है तो वो पब्लिश की डेट भी आपको दिखा देता है। तो ये तो आपका जब आप ऑल पोस्ट पे क्लिक करते हो तब आपको ऑप्शन आता है। इसी तरीके से यहाँ पे ऑप्शन आता है ऐड न्यू का पोस्ट पे। अब जब यहाँ पे आप आ जाते हैं तो आपको यहाँ से भी ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है और इसके नीचे से भी ऐड न्यू का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको कोई एक नया पोस्ट लिखना है तो वो आप कैसे लिख सकते हो। अभी वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारे चेंजेस आ चुके हैं तो यहाँ पे कुछ ब्लॉग ब्लॉग के एडिटर भी ऐड हो चुके हैं। पहले ये सब कुछ नहीं होता तो भी यहाँ पे ब्लॉग ब्लॉग का भी बहुत सारे ऑप्शन आ चुके हैं, आप काफ़ी सारी चीज़ें बिना किसी बिल्डर के भी वर्डप्रेस के ब्लॉग से भी कर सकते हैं। मगर कुछ लोगों को इसमें तकलीफ होती है, कोई बिगनर्स हैं, कुछ किसी को नॉलेज नहीं है तो उनके लिए थोड़ा टफ हो जाता है इस पर काम करना। तो मैं यहाँ पे आपको रिकमेंड करूँगा, अभी आगे आपको मैं बता दूंगा प्लगइन को कैसे ऐड किया जाता है। तो आप अगर बिल्कुल बिगनर हैं, आपको ये इंटरफेस अच्छा नहीं लग रहा, नहीं समझ आ रहा, तो आप सिंपल यहाँ पे इनका जो बेसिक एडिटर होता है उसको भी इंस्टॉल कर सकते हैं, उसके बाद ये इंटरफेस टोटल चेंज हो जाता है। लाइक बिल्कुल आप पे जैसे आपने वर्ड डॉक्यूमेंट के ऊपर काम करते हो बिल्कुल वैसा ही इंटरफेस होता है, टाइटल लिखने का, सारे जितने भी कस्टमाइजेशन के ऑप्शन होते हैं, टेक्स्ट, बोर्ड, अंडरलाइन, सब कुछ आपको बेसिक सा मिल जाता है अगर आपको इसमें काम करने में दिक्कत हो। नहीं तो अगर आप कर सकते हैं तो यहाँ पे बेसिक आप सिंपल अपना टाइटल लिख सकते हैं, कुछ भी आप लिख लीजिए, व्हाट इज बैकलिंक, ये आपका टाइटल है। उसके बाद आपका कंटेंट यहाँ पे लिखना शुरू होता है, आपको जो भी कंटेंट लिखना है आप यहाँ पे कंटेंट अपना लिख सकते हो, उसको यहाँ पे आप कोड कर सकते हो, उसके अलाइनमेंट कर सकते हो, बोल्ड, इटैलिक, लिंक, यहाँ पे और भी बहुत सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं, इनलाइन कोड, इमेज, टेक्स्ट कलर, और भी यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं, जैसे उसको डुप्लीकेट करना है, इंसर्ट बिफोर, इंसर्ट आफ्टर, कुछ HTML के टैग डालने हैं, ग्रुप्स कुछ बनाने हैं, तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। यहाँ पे आप प्लस के निशान पे क्लिक करके बहुत सारे चीज़ें देख सकते हो, जैसे पेज को ब्रेक करना है, पैराग्राफ, इमेजेस, हेडिंग, गैलरी, लिस्ट, कोड, ऑडियो, कवर, कॉमन ब्लॉक्स में यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आपको मतलब मिल जाती हैं। यहाँ पे फॉर्मेटिंग के आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, ये सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे बहुत आसानी से मिल जाते हैं। लेआउट का एलिमेंट कैसा होना चाहिए, बटन होना चाहिए, कॉलम किस तरह से रहने चाहिए, तो यहाँ पे आप आएंगे आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं। मेरे हिसाब से ये बेटर है, आपको लेटेस्ट चीज़ पे ही काम करना चाहिए, उसको ही सीखना चाहिए, पुरानी चीज़ थोड़ी ईजी रहती है मगर थोड़ा दिक्कत जरूर रहती है। तो यहाँ पे आके आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं जो कि पहले वर्डप्रेस पे नहीं मिला करती थी। तो ये आज के टाइम पे वर्डप्रेस की मतलब जितना इजी होता जा रहा है लोगों के लिए उतना आसान होता जा रहा है और काफ़ी सारे चीज़ें एडवांस में इसमें जुड़ती जा रही हैं।
जो कि बेसिक सी चीजों में भी लोग काम कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप आके यहाँ पे अपने कोई भी पोस्ट लिख सकते हैं, इमेज ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, कॉलम बना सकते हैं, रिव्यू डाल सकते हैं, किसी भी प्रोडक्ट का आप रिव्यू करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इन लास्ट में आपको यहाँ से पब्लिश करना होता है, मगर पब्लिश करने से पहले आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट में आने के बाद उसके कुछ परमालिंक सेट करने होते हैं, उसकी कैटेगरी डिसाइड करनी होती है, उसके टैग डालने होते हैं, उसकी फीचर इमेज को डालना होता है, और उसके बाद उसको आप पब्लिश कर सकते हो। तो इस तरीके से एक न्यू पोस्ट को लिखा जाता है। अब बात आती है कैटेगरी। कैटेगरी क्या चीज होती है? फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बात करी व्हाट इज बैकलिंक। बैकलिंक क्या है? ये एक एसईओ का पार्ट है, तो मैं यहाँ पे इसकी मेन कैटेगरी एसईओ कर सकता हूँ। मैं पीछे से एक कैटेगरी बना सकता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया कैटेगरी पे, तो बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आपको एक कैटेगरी मिलेगी अनकैटेगराइज, जैसे कि मैंने आपको बताया था। यहाँ पे आके आप उसकी कैटेगरी बना सकते हो एसईओ। ये आपने एक कैटेगरी बना दी और उसी को पेस्ट करेंगे, उसका सिलेक्ट बन जाएगा। अगर वो पेरेंट और चाइल्ड कैटेगरी के हिसाब से है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एसईओ, एसईओ के अंदर मैंने बना दिया बैकलिंक, ऑन पेज बैकलिंक, ऑन पेज एसईओ, ऑफ पेज एसईओ, इस तरह से आप पेरेंट एंड चाइल्ड के साथ भी प्ले कर सकते हैं। और यहाँ पे ऐड न्यू जैसे ही करेंगे, यहाँ पे आपकी एसईओ की कैटेगरी ऐड हो जाएगी बाय डिफॉल्ट। तो जब भी आप पोस्ट लिखेंगे व्हाट इज बैकलिंक, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा व्हाट इज बैकलिंक, मैं एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेता हूँ आपको दिखाने के लिए। मैंने लिखा यहाँ पे व्हाट इज बैकलिंक। अब मुझे यहाँ पे इसको कैटेगराइज करना है, तो उसके लिए मैं डॉक्यूमेंट में यहाँ पे आऊंगा। यहाँ पे देखिए अब अन कैटेगरी के साथ एसईओ भी आ गया, जो कि मैंने अभी ऐड किया। मैं यहाँ से इसको एसईओ कर दूँ और पब्लिश कर दूंगा, तो ये मेरा एसईओ कैटेगरी के अंदर पोस्ट लिस्ट हो जाएगी। इस तरीके से आप कैटेगरी के साथ अपनी वेबसाइट में प्ले कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी बना सकते हैं और उसको अपने पोस्ट के साथ मैच करके कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये रोल होता है आपकी कैटेगरी का। अब कैटेगरी में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, इसको आप एडिट कर सकते हो, क्विक एडिट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और व्यू कर सकते हो। ये आपका स्लग बन जाता है और उसका काउंट भी यहाँ पे आपको दिखते रहते हैं कितने पोस्ट उस कैटेगरी से आपने बनाए हैं। तो इस तरीके से आप अपनी कैटेगरी को क्रिएट कर सकते हो। सेम इसी तरीके से यहाँ पे आपने होकर देखो तो टैग का एक ऑप्शन मिलता है। आप टैग में भी इसी तरीके से आते हो। टैग आपके एज अ कीवर्ड काम करते हैं, आपकी वेबसाइट पे आप कितने कीवर्ड को यूज करना चाहते हो। जैसे कि लिखा है मैंने व्हाट इज बैकलिंक, आप एक यहाँ पे टैग बना सकते हो व्हाट इज बैकलिंक। मगर टैग आपको यहाँ पे नहीं बनाने होते हैं, टैग आपको आपके एडिट पोस्ट में ही बनाने का ऑप्शन मिल जाता है। जैसे कि आपने यहाँ पे लिखा व्हाट इज बैकलिंक, ये एक टैग बन गया। ऑन पेज एसईओ, ये मेरा एक टैग बन गया। ऑफ पेज एसईओ, ये मेरा एक टैग बन गया। तो इस तरीके से आपके टैग बन जाते हैं और आप पब्लिश कर देते हैं, तो वो टैग एज अ कीवर्ड आपकी पोस्ट में आपको परफॉर्म करते हैं, आपको हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पहला भी सेक्शन बताया पोस्ट का, जिसके अंदर पोस्ट, ऑल पोस्ट, ऐड न्यू, कैटेगरी एंड टैग, क्या चीजें होती हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है। फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है मुझे पता है, मगर मेरा काम है आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना, मैं वही कर रहा हूँ। मुझे भी करने में बहुत मेहनत लग रही है, मेरा भी बहुत टाइम लग रहा है, मगर मैं चाहता हूँ आपके पास जो भी पहुंचे बिल्कुल प्योर पहुंचे, एक एक चीज डिटेल में पहुंचे, इसलिए मैं इतनी डिटेल में ये वीडियो बना रहा हूँ। फिर भी अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर देना, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। अभी हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट मीडिया वाले सेक्शन पे। मीडिया वाले सेक्शन में आप अपनी वेबसाइट की जितनी भी मीडिया होती है, चाहे वो फोटोग्राफ्स हो, वीडियोग्राफ्स, सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। जब भी आप कोई पोस्ट लिखते हैं वहाँ पे इमेज को अपलोड करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आता हूँ और मैं यहाँ पे एक इमेज को ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद ये इमेज का ऑप्शन आता है, गैलरी का ऑप्शन आता है। मैंने इमेज पकड़ी और मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ, जैसे कि मैं यही इमेज उठा लेता हूँ फेसबुक की। मैंने यहाँ पे इसको ओपन किया और ये मैंने डाल दिया और मैंने इसको कर दिया पब्लिश। अब मैं यहाँ पे आपको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, मेरे मीडिया के अंदर वो फेसबुक का जो मेरी मीडिया थी, मेरी इमेज थी, वो ऑटोमेटिक आ गई। तो मेरी जितनी भी मैं पोस्ट में, आपकी वेबसाइट के अंदर, आपके पेज के अंदर जितने भी मीडिया हम यूज करते हैं, वो सारी की सारी चीजें हमारी यहाँ पे जाके मीडिया लाइब्रेरी में स्टोर होती रहती है। आप चाहें तो यहाँ से ऐड न्यू करके भी अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं जितना भी आपका मीडिया है, और उसको अपलोड कर सकते हैं अपनी पोस्ट के अंदर, अपने पेज के अंदर, या फिर आपको जब जिस टाइम आप डेवलप कर रहे हैं, जिस टाइम आप पोस्ट लिख रहे हैं, उस टाइम भी अपलोड करेंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक स्टोर हो जाती है। अब यहाँ पे भी आपको काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, अगर मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पे, आप उसके हिसाब से उसका ऑल्टरनेटिव टेक्स्ट डाल सकते हो, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है एसईओ प्रोस्पेक्टिव से। आपको अपनी इमेज का ऑल्ट टेक्स्ट जरूर देना चाहिए, टाइटल भी देना चाहिए, अगर आपको लगता है कैप्शन देने की जरूरत है वो भी दे सकते हैं, डिस्क्रिप्शन भी दे सकते हैं,
और यहाँ पे अपलोडेड टू व्हाट इज बैक लिंक, इसके अंदर मैंने अपलोड किया है और उस इमेज का जो यूआरएल है वो ये यूआरएल भी यहाँ पे बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो उसके हिसाब से यहाँ पे आप डिलीट करना चाहो तो डिलीट भी कर सकते हो और उसकी पूरी डायमेंशन कब अपलोड हुआ सब कुछ यहाँ पे आपको डिटेल में मिल जाता है। तो ये तो थी एक मीडिया लाइब्रेरी में क्या क्या चीजें होती हैं। आप इसको दो तरह से देख सकते हो, अगर आप चाहो ग्रिड में इसको चेंज भी कर सकते हो, इस तरीके से भी देख सकते हो और इस तरीके से भी इसको देख सकते हो। और अगर आपकी वेबसाइट में बहुत सारी इमेजेस हैं, आप सर्च करने परेशान हो रहे हो, तो यहाँ पे आपको सर्च का भी ऑप्शन मिलता है। आप यहाँ पे नाम डाल के भी इमेज को सर्च कर सकते हो, उससे रिलेटेड इमेज आपको दिख जाएंगी। तो मीडिया सेक्शन में आपको ये दो चीजें मिलती हैं, एड न्यू और लाइब्रेरी, इसके अलावा कोई ऑप्शन यहाँ पे आपको नहीं मिलता। अब बात करते हैं पेजेस की। पेजेस पे आने पे बाद आपको ऑल पेजेस एंड ऐड न्यू पेजेस, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ पेजेस पे क्लिक करके कि आपको क्या दिखेगा। जैसे कि बाय डिफॉल्ट मैंने आपको बताया था प्राइवेसी पॉलिसी एंड सैंपल पेज हमेशा होता है आपके वर्डप्रेस जब आप इंस्टॉल करते हो, प्राइवेसी पॉलिसी का आपको ऑप्शन देता है ये। तो आप यहाँ पे इसको क्विक एडिट करके ड्राफ्ट से पब्लिश करके इसको अपडेट कर देंगे तो ये आपका पेज भी दिखना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरीके से आप यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करके, फॉर एग्जाम्पल आपको होम बनाना है, अपने होम पेज का डिजाइन बनाना है, तो सिंपल आपको बस यहाँ पे होम लिखना है और उसके बाद इसको पब्लिश कर देना है। बाद में इसको हम एलिमेंटर या फिर किसी और पेज बिल्डर की तरफ हेल्प लेकर पूरे पेज को डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको पब्लिश कर देंगे, सिंपल पब्लिश। तो यहाँ पे हमारा एक होम ऐड हो गया। इसी तरीके से मैं चाहता हूँ मेरा अबाउट अस हो, कॉन्टेक्ट अस हो, जितने पेज भी आप चाहते हो आप अपने पेज यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे तीन पेज आप लोगों को बना के दिखाए कि किस तरीके से आप पेज बनाते हैं और उस पेज के ऊपर डिटेल में कैसे काम होता है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगा आगे आगे जाके। तो यहाँ पे हमने पेज अपने क्रिएट कर लिए, अब इन पेज में कुछ आपको एडिट करना है, यहाँ से एडिट कर सकते हो। कुछ एडिट करना है कि कुछ आपको उसका टाइटल, स्लग, आपको उसका कुछ डेट जो मॉडिफिकेशन होती है, या फिर उसका कुछ टेम्पलेट, या फिर स्टेटस उसका चेंज करना है, उसको ड्राफ्ट करना है, पेंडिंग रिव्यू करना है, तो यहाँ से आप उसको क्विक एडिट करके भी मैनेज कर सकते हो। और उसके बाद यहाँ पे आपको ट्रैश का और व्यू का ऑप्शन मिलता है कि आपको उसको नहीं चाहिए उसको डिलीट करना है, ट्रैश कर सकते हो, उसको देखना चाहते हो कि वो कैसे दिखता है, व्यू करके आप उसको देख भी सकते हो। तो इस तरीके से सारे ऑप्शन आपको यहाँ पे पेज के एरिया में मिल जाते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे पेज बना दिया, पहले हमने सेटिंग में गए थे, जब मैं आपको सेटिंग में एक बार दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ पेज अब क्रिएट कर दिए हैं, अब मैं आपको सेटिंग में जाता हूँ और एक बार रीडिंग वाले सेक्शन में दिखाता हूँ, जो कि मैंने आपको दिखाया था उस टाइम वहाँ पे आपको कुछ पेजेस नहीं दिख रहे थे। जैसे कि मैंने यहाँ पे स्टैटिक पे क्लिक किया, यहाँ से मैंने होम सिलेक्ट कर दिया और यहाँ से मैंने ब्लॉग का मैंने बनाया नहीं है, मैं काम करता हूँ यहाँ पे ना एक ब्लॉग भी बना देता हूँ। पब्लिश यहाँ पे मैं एक बार रिफ्रेश करता हूँ। तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे स्टैटिक पेज करूंगा और यहाँ पे मेरा होम पेज पकड़ूंगा और पोस्ट पेज पे जाऊंगा और मैं ब्लॉक करके इसको अगर मैं सेव कर दूंगा, तो अभी हमारी वेबसाइट का क्या था, virinderjaiswal.com पे ये हेलो वर्ड दिखता है, किस तरीके से हमारे को दिखता है। अब इसको मैं रिफ्रेश करूंगा तो देखो आपको क्या दिखेगा। अब मैंने क्या किया, होम पेज इसको मेन कर दिया कि जब भी मेरी वेबसाइट कोई खोलेगा तो होम ही दिखेगा। और इसी तरीके से मैंने ब्लॉग वाले को ब्लॉग सेट कर दिया है, तो ब्लॉग पे अगर कोई ओपन क्लिक करेगा तो मुझे ऐसे मेरे जितने भी ब्लॉग्स होंगे वो सारी लिस्ट होके दिख जाएंगी। तो इस तरीके से आप अपने पेजेस बना के रीडिंग सेक्शन में जाके इसको सेटिंग करके मैनेज कर सकते हो। तो ये हमारा था पेजेस का सेक्शन। अब पेजेस के सेक्शन की बात आती है बारी कमेंट की। जितने भी कमेंट हमारी वेबसाइट पे आते हैं पहले यहाँ पे आएंगे, आपने अगर सेटिंग कर रखी होगी ऑटो पब्लिश की तो वो ऑटो पब्लिश हो जाएंगे, अगर आपने उसको रखा होगा कि मैनुअल आप उसको अप्रूव करोगे मॉडरेशन में जाएगा तो आप उसको यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि कोई एक बाय डिफॉल्ट एक यहाँ पे कमेंट भी पड़ा होता है, किसने कमेंट किया, कौन सी साइट से हुआ, किस ईमेल आईडी से हुआ, ये सब कुछ मेंशन होगा यहाँ पे, क्या कमेंट आया वो यहाँ पे मेंशन हुआ, उस पर एक लिंक है वो लिंक दिख रहा है मुझे, आपको इसको अनअप्रूव करना है, ये बाय डिफॉल्ट अप्रूव है, अनअप्रूव करना है अनअप्रूव कर सकते हो, उस पर कोई रिप्लाई करना है रिप्लाई कर सकते हो, कुछ क्विक एडिट करना है, स्पैम करना है या फिर ट्रैश करना है, यहाँ से आपको सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। और बाय डिफॉल्ट उसका कोई रिस्पॉन्स अगर है रिप्लाई है तो वो रिप्लाई भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा और सबमिट कब हुआ था उसकी डेट भी आपको यहाँ पे दिख जाती है। इस तरीके से आपके जितने भी कमेंट होते हैं वो यहाँ पे आपको दिखते हैं।
अगर बहुत सारे कमेंट होंगे तो यहाँ पे बल्क एक्शन लेके भी आप काम कर सकते हो। अगर आपको उसको अप्रूव करना है इकट्ठे अप्रूव करके यहाँ पे अप्लाई कर देंगे सारे अप्रूव हो जाएंगे, उसको अनअप्रूव करना है सारे इकट्ठे सिलेक्ट कर दो अप्लाई कर दो अनअप्रूव हो जाएंगे, स्पैम है ट्रैश है, तो आप बल्क एक्शन भी यहाँ से ले सकते हो। और जितने भी कमेंट यहाँ पे आते हैं पेंडिंग में जाते हैं, अप्रूव होते हैं, स्पैम होते हैं, ट्रैश होते हैं, ये सारे आपको यहाँ पे इस तरीके से दिख के आप उसको मैनेज कर सकते हो, ये आपका कमेंट एरिया होता है। अब इसके बाद हम बात करेंगे टूल्स सेक्शन की। टूल्स पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद आपको इम्पोर्ट पे करना है क्लिक। इम्पोर्ट पे आप जब करेंगे तो यहाँ पे कुछ ऑप्शन आपको मिलते हैं, जैसे कि आपकी वेबसाइट ब्लॉगर पे थी, आपको उसको वर्डप्रेस पे मूव करना है, अपना डेटा सारा वर्डप्रेस पे मूव करना है, तो यहाँ पे ब्लॉगर का ही आपको ऑप्शन मिलता है। इंस्टॉल नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक इनका जो सॉफ्टवेयर है वो इंस्टॉल हो जाएगा, जिसके थ्रू आप अपने ब्लॉगर का सारा डेटा कनेक्ट करके वर्डप्रेस के अंदर मूव करा सकते हैं, चाहे वो पोस्ट हो, कमेंट हो, यूजर्स हो, या फिर ब्लॉगर के जो ब्लॉग होते हैं वो सारे आ सकते हैं। इसी तरीके से कैटेगरी, टैग कन्वर्टर, लाइव जर्नल का ऑप्शन मिलता है, आरएसएस का होता है, टम्बलर पे है, वर्डप्रेस पे, मतलब बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलते हैं इम्पोर्ट करने के। इसी तरीके से अगर आप अपनी वेबसाइट को एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो यहाँ पे आप इन सब चीज़ों को सेलेक्ट कर सकते हो, ऑल कंटेंट करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे, सब कुछ आप एक्सपोर्ट कर लेंगे, खाली पोस्ट करना चाहते हैं, खाली पेज करना चाहते हैं, खाली मीडिया करना चाहते हैं तो यहाँ से आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसका बैकअप भी ले सकते हैं, या फिर कहीं और मूव करना है तो मूव भी कर सकते हैं। साइड हेल्प का मैंने आपको मेन पेज स्टार्टिंग में दिखाया था कि मैंने जब आपको कहा था कि आप इसको छोड़ देना, ये डैशबोर्ड यहाँ पे आप देख रहे हैं साइड हेल्थ, ये गुड दिखा रहा है, ये मैंने आपको कहा था कि इसको रहने देना स्क्रीन ऑप्शन से, इससे हमारी साइट की परफॉर्मेंस हमें पता चलती है कुछ गड़बड़ तो नहीं है, यहाँ से पता चल जाता है। तो ये साइड हेल्थ वही चीज़ है, ये हमें बताता है हमारी जो साइट की जो स्टेटस है कैसा है, उसके इम्प्रूवमेंट कुछ है, कुछ रिकमेंडेशन है, तो वो यहाँ से हमारे को बता देता है। तो यहाँ से आप अपनी साइड हेल्थ पे जाके सब कुछ चेक कर सकते हो, अगर कुछ ये आपको रिकमेंडेशन बोल रहा है तो उसको आप चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा यू शुड रिमूव इनएक्टिव थीम, यहाँ पे मैंने इनएक्टिव थीम भी रखी हुई है, तो वो बोल रहा है जो आपकी इनएक्टिव थीम है उसको रिमूव कर दो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए ठीक नहीं है। तो मैं जाके अगर इसको रिमूव कर दूंगा इनएक्टिव थीम को, यहाँ पे मेरे थीम्स में जाता हूँ, आपको दिखा देता हूँ मैं बड़ी, जैसे एक थीम मेरी एक्टिव बाकी इनएक्टिव है, तो वो इसके लिए बोल रहा है इनको भैया यहाँ से जाके आप डिलीट कर दो, यहाँ पे जाके इसको डिलीट कर दोगे तो ये इनएक्टिव जितनी भी हट जाएंगी, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, वो मैंने ओके कर दिया। अब मैं जाके एक बार चेक कर लेता हूँ रिफ्रेश करके, देखो वो रिकमेंडेशन हट गई, अब खाली जो एक बची है योर साइट रनिंग एंड ओल्ड वर्जन ऑफ पीएचपी विच शुड बी अपडेटेड, ये परफॉर्मेंस के हिसाब से बोल रहा है कि आपका ओल्ड वर्जन पीएचपी जो चल रहा है आप इसको अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ से आपको साइट हेल्प से पता चल जाता है कि वेबसाइट में कुछ अगर इंप्रूवमेंट वगैरह है या कुछ प्रॉब्लम है। तो एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा, इस पे करना है क्लिक। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप कुछ ईमेल आईडी डाल के उनको सेंड रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आप उसका डाटा जो है एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, पर्सनल जो भी डेटा होता है वो एक्सपोर्ट करवा सकते हैं। इसी तरीके से आप इरेज भी करवा सकते हैं, इरेज पर्सनल डेटा भी क्लिक करके आप वहाँ पे जो भी आपने लिस्ट कर रखी होंगी उनको इरेज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे टूल्स का सेक्शन भी हमारा ऑलमोस्ट कवर हो गया है और नीचे की सेटिंग भी हम कर चुके हैं और ऊपर के भी सारे हम कर चुके हैं, बस एक यूजर प्लगइन एंड अपीयरेंस बचा है जो कि अब मेन सेक्शन है, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप इस पे भी जा रहा हूँ। यूजर पे जाना है, आपके जितने भी यूजर बनेंगे बाय डिफॉल्ट आपके जिस ईमेल आईडी से बना हो वो आपका एडमिन होता है। अब यहाँ पे यूजर्स का क्या रोल होता है मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे आप अगर देखें तो यहाँ पे सब्सक्राइबर, कॉन्ट्रीब्यूटर, ऑथर, एडिट और एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर तो होता है मेन। अब वो चाहता है कि जैसे कि वर्डप्रेस क्या है आपको फ्लेक्सिबिलिटी देता है कि आपने एक यूजर बना दिया, आप चाहते हो आपके पास टाइम नहीं है, आप चाहते हो आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई डेटा डालता रहे, ब्लॉग लिख लिख के एज अ एडिटर काम करता रहे, तो आप यहाँ पे एक यूजर बना दोगे उसको ये सारी चीजें नहीं दिखेंगी, अपनी वेबसाइट का पूरा एक्सेस नहीं देने आते फॉर सिक्योरिटी रीजन। यहाँ पे बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, बहुत थीम्स होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, सेटिंग्स होती हैं, जो कि हर बंदे के हाथ में जाना ठीक नहीं रहता आपकी वेबसाइट की सिक्योरिटी के लिए, सेफ्टी के लिए। तो आप यहाँ से यूजर क्रिएट कर दोगे और उसको रोल दे दोगे उसके अकॉर्डिंग, वो आपका सब्सक्राइबर है, आपका कॉन्ट्रीब्यूटर है, आपका ऑथर है, एडिटर है, कौन है, उसको कितनी हद तक की आपको लिमिट देनी है, यहाँ से आप वो डिफाइन कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना होता है, सिंपल एड न्यू पे जाना है, उसका यूजर नेम आपने डालना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे वेब टेक्निकल टिप्स,
यहाँ पे मैं अपनी ईमेल आईडी डाल देता हूँ कोई भी, फर्स्ट नेम लास्ट नेम वेबसाइट की कोई जरूरत नहीं होती। यहाँ पे मैं अपने पासवर्ड क्रिएट करूंगा, कोई भी पासवर्ड एक रख लेता हूँ और मुझे यहाँ से उसको डिसाइड करना है उसको रोल मुझे क्या देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं उसको एज अ ऑथर दे रहा हूँ, एज अ ऑथर वो काम कर सकता है। यहाँ मैंने ऑथर किया और यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है, मैं यहाँ पे एड यूजर पे कर दूंगा क्लिक। तो ये मैंने एक ऑथर बना दिया। अब मैं क्या करूंगा, इसको इनकॉग्निटो मोड में एक बार आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। अब मेरे जो क्रेडेंशियल मैंने बनाई है उस यूजर के लिए, मैं उसको ये दे दूंगा एंड वो लॉगिन करेगा उस क्रेडेंशियल से। आपने देखा इस डैशबोर्ड में और उस डैशबोर्ड में कितना फर्क है। अब आप एक बार मैच करते हैं, यहाँ से इन सब चीजों को हटा देते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे मैच करते हैं वहां पे और यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा है। यहाँ पे जाते हैं डैशबोर्ड पे, अब आप यहाँ देख रहे हैं डैशबोर्ड डैशबोर्ड पोस्ट पोस्ट मीडिया मीडिया कमेंट कमेंट। अब ये अपेयरेंस प्लगइन यूजर आपको नहीं मिलते, खाली प्रोफाइल एंड टूल मिलते हैं। आप ये देख रहे हैं प्रोफाइल भी वो यूजर के नहीं, खाली आपकी प्रोफाइल और ये टूल मिल रहे हैं। ना सेटिंग मिलेगा आपको, ना प्लगइन मिलेगा, ना अपेयरेंस मिलेगा, जिससे मेन काम होता है वेबसाइट के अंदर। सो आपने इसको क्या किया, आपने इसको एज ए ऑथर की डिटेल दी। यहीं पे आप इसको चेंज कर दो, तो यहाँ पे आके आपने इसको ऑथर दिया था, अब इसको आप एज अ एडिटर अगर सेलेक्ट कर देते हो और सेव कर देते हो अपडेट, तो आप यहाँ पे रिफ्रेश करके देखेंगे यहाँ पे पेजेस भी ऐड हो गए हैं। अब वो पेज क्रिएट भी कर सकता है और रिमूव भी कर सकता है, जो एडिट भी कर सकता है उसके अंदर। तो इस तरीके से आप रोल देके पर्टिकुलर पोस्ट पे काम करवाना है, पूरी साइट मैनेज करवानी है, कोई पर्टिकुलर सेक्शन पे करवाना है या कुछ पर्टिकुलर प्लगइन का एक्सेस देना है, वो सारे काम आप कर सकते हैं यहाँ से। यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं और इसके कुछ एडवांस प्लगइन भी आते हैं, फ्री होते हैं वो भी। उसके हिसाब से क्या होता है, आप पर्टिकुलर एक एक सेक्शन का ही एक्सेस दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हैं कोई आपने ऐसा प्लगइन डाला है, जैसे न्यूज़ की वेबसाइट है उसमें एक न्यूज़ टिकर चलता है, आप चाहते हैं मैं एक बंदे को एक्सेस दे दूं जब भी कोई ब्रेकिंग न्यूज आए तो वो स्टिकर का एक्सेस ले उसके पास और फटाफट वो अपडेट कर पाए, और उसके अलावा कुछ ना करे, ना किसी पोस्ट को एक्सेस कर पाए, ना किसी पेज को एक्सेस कर पाए, ना किसी और प्लगइन को एक्सेस कर पाए, ना ही थीम को एक्सेस कर पाए। तो आप उस प्लगइन की हेल्प से पर्टिकुलर एक प्लगइन का एक्सेस उस यूजर को दे सकते हो और वो खाली उस सेक्शन पे ही काम कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनीज में ऐसा ही होता है, उनके यहाँ बहुत सारे एम्प्लॉयज होते हैं, बहुत सारा ट्रैफिक होता है, तो एक एक सेक्शन पर्टिकुलर बंदे को डिवाइड कर दिया जाता है ताकि वो उसी सेक्शन पे फोकस करे, उसी पे उसकी क्वालिटी हमेशा इंप्रूव रहे। तो इस तरीके से आप यूजर मैनेजमेंट का यूज करके पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन कर सकते हैं और अपने काम को ईजी कर सकते हैं। तो ये था हमारा यूजर का काम, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब हमारी चीज होती है मेन स्टार्ट, अपीयरेंस एंड प्लगइन। ये दो ऐसे सेक्शन है जिनकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट के जितने भी इंटरफेस होता है, डिजाइन होता है, फंक्शनैलिटी होती है, एडवांस फीचर्स होते हैं, उनको बनाते हैं और हटा सकते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं अपीयरेंस से, हमारी वेबसाइट के थीम से। अपीयरेंस पे जब आपने होवर किया तो आपको थीम कस्टमाइजेशन विजेट्स मेन्यू बैकग्राउंड एंड थीम एडिटर का ऑप्शन मिलता है। यहाँ पे अपीयरेंस पे मैंने कर दिया क्लिक। अपीयरेंस पे जब भी आप क्लिक करेंगे आपके जितने भी थीम होंगी वो सारी आपको लिस्ट होंगी। जैसे कि मैंने अभी दो थीम डिलीट करी है आपके सामने मेरे को, क्योंकि वहाँ पे साइड इन्फो में इन्फॉर्मेशन आ रही थी कि जो आपकी इनएक्टिव थीम है उसको डिलीट कर दीजिए। तो अभी हमारी ये वाली थीम एक्टिव है, तो हमारी वेबसाइट का जो जो लुक एंड फील है वो किस तरीके से है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। सो अभी हमारी वेबसाइट पे ये वाली थीम एक्टिव है, तो हमारी वेबसाइट का जो लुक एंड फील है वो इस तरीके से कुछ हमारे को दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही बेसिक सा थीम है वर्डप्रेस का। अब मैं चाहता हूँ मेरी वेबसाइट का डिजाइन मुझे चेंज करना है, कुछ अलग मुझे बनाना है, तो मुझे उसके लिए यहाँ पे सिंपल एड न्यू पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे एड न्यू पे क्लिक करने के बाद मुझे बहुत सारी थीम्स मिल जाएंगी, अनलिमिटेड थीम्स यहाँ पे मिलेंगी, कुछ कैटेगराइज बना रखी है उन्हें, फीचर पॉपुलर लेटेस्ट फेवरेट, और यहाँ पे आपको फिल्टर का ऑप्शन मिलता है, उसके अकॉर्डिंग आप अपने हिसाब से अपने सब्जेक्ट फीचर्स एंड लेआउट के अकॉर्डिंग काम कर सकते हैं। जैसे आपको ब्लॉग बनाना है, ई कॉमर्स बनाना है, एजुकेशन एंटरटेनमेंट, ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट थीम है, उसमें फीचर क्या क्या होने चाहिए, कस्टम लोगो होना चाहिए, कस्टम हेडर होना चाहिए, बैकग्राउंड का ऑप्शन होना चाहिए, फुटर विडेट का ऑप्शन होना चाहिए, स्टिकी पोस्ट का ऑप्शन होना चाहिए,
थीम ऑप्शन होना चाहिए, फुटर का एडिटर स्टाइल होना चाहिए, या फिर उसके लेआउट किस तरह होना चाहिए, ग्रिड 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम 4 कॉलम, लेफ्ट साइड बार राइट साइड बार और वाइट बॉक्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे फिल्ट्रेशन कर सकते हैं, या फिर कुछ फेवरेट लेटेस्ट या फिर मोस्ट पॉपुलर ऑल टाइम जो वर्डप्रेस की थीम होती है उनके अकॉर्डिंग भी आप चल सकते हैं। जैसे कि यहाँ पॉपुलर में आते हैं तो बाय डिफॉल्ट जो थीम होती है वर्डप्रेस रिकमेंड कर रही है लेटेस्ट वो ये थी जो जिसके जो वर्डप्रेस की थीम के साथ बाय डिफॉल्ट आता है। तो उसके बाद आप यहाँ पे नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम मिलेंगी, एस्ट्रा आ गया, ओशियन डब्ल्यू पी मेरी फेवरेट थीम है, ओशियन डब्ल्यू पी फ्री में, ओशियन डब्ल्यू पी और एस्ट्रा ये दो एक ऐसी थीम है जहाँ को आप किसी भी तरह की वेबसाइट बना सकते हो, मतलब किसी भी तरह की ये फ्री थीम है और आपको फुल कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देती है। यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट इनके काफी सारे टेम्पलेट्स भी मिलते हैं और अगर टेम्पलेट आप ना भी यूज करना चाहो तो अपने हिसाब से कुछ भी बना सकते हो किसी भी तरह की वेबसाइट। ओशियन डब्ल्यू पी पे आपको ऐसा ऑप्शन कहीं नहीं मिलता, मगर मैंने ये ओशियन डब्ल्यू पी थीम यूज करके ही पूरी वेबसाइट अपनी बना रखी है, एक एक चीज इसमें मैंने सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट कर रखा है, फुली कस्टमाइज कर रखी है। तो ये है वर्डप्रेस की पावर, आपको फुली कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देता है, आपको थीम सेलेक्ट करनी है, उसके कुछ आपको फीचर्स मिल जाते हैं और आपको अगर थोड़ी बहुत वर्डप्रेस की नॉलेज है अपने अकॉर्डिंग आप कैसी भी वेबसाइट बना सकते हो। ई कॉमर्स मैंने अपने चैनल के ऊपर अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ, ये एक वेबसाइट बनाई थी ई कॉमर्स की, 1 साल पहले बनाई थी, ये भी ओशियन डब्ल्यू पी के ऊपर है, सारी चीजें मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बताई थी और बहुत अमेजिंग वेबसाइट बनी थी। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वेबसाइट को विजिट भी कर सकते हो और देख सकते हो फ्री में किस तरह से मैंने वेबसाइट बनाई है। ई कॉमर्स वेबसाइट, न्यूज वेबसाइट, एफिलिएट की वेबसाइट, बिजनेस वेबसाइट, हर वेबसाइट मैंने अपने चैनल पे बना के डाल रखी है, उसका ट्यूटोरियल डाल रखा है, आप लोग यहाँ पे आके देख सकते हो कैसे बना रखा है मैंने, एक एक चीज मैंने पूरी डिटेल में बता रखी है और सब कुछ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट, मजे की बात है सब कुछ टोटल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो ट्यूटोरियल और सीख सकते हो मैंने किस तरीके से चीजें बनाई हैं और आप भी किस तरीके से बना सकते हो, और सब कुछ फ्री है, मैं आपको पहले बोल रहा हूँ वर्डप्रेस फ्री मिलता है आपको, सिर्फ और सिर्फ आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट करनी होती है वो आपके डोमेन एंड होस्टिंग पे करनी होती है, और मैंने आपको जो लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में उससे अगर आप बाय करते हैं तो आपको डोमेन भी फ्री मिलता है। तो आपको जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है सिर्फ और सिर्फ आपकी होस्टिंग की है, और होस्टिंग के लिए मैंने आपको बता दिया है कि होस्टिंग सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है आपकी लाइफ का, आपकी बिजनेस के लिए, तो आप होस्टिंग सिलेक्शन के टाइम पे किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए वो सब कुछ मैंने आपको बताया है। सो डिस्काउंटेड लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पे जाकर फटाफट इस होस्टिंग को बाय कर सकते हैं, और साथ ही साथ वहां पे आपको मैंने कूपन कोड भी दे रखा है वेब टेक्निकल टिप्स का, अगर आप वो डालते हैं तो आपको एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा मेरी तरफ से। तो आप जाइए फटाफट अपनी होस्टिंग को बाय करिए और अपनी ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट करिए और वर्डप्रेस को यूज करके किसी भी तरह की वेबसाइट अपने लिए या फिर आप क्लाइंट के लिए भी काम कर सकते हो। किसी भी तरह की वेबसाइट आप मार्केट में जनरली अगर एक नॉर्मल वेबसाइट भी आप बनाते हो 15-20 हज़ार रुपये लोग चार्ज कर लेते हैं, जो कि आप इस ट्यूटोरियल को देखने के बाद, मैंने अपने चैनल के ऊपर इतनी सारी फ्री के ट्यूटोरियल डाल रखे हैं, आप उनको देखने के बाद सीख सकते हैं। कहीं फंसते हो, कुछ प्रॉब्लम होती है मेरे को, आप कमेंट कर सकते हो, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूंगा। आप फ्री ऑफ कॉस्ट सब कुछ कर सकते हो, आगे लोगों के लिए वेबसाइट बना सकते हो और अपने ऑनलाइन इनकम को स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि थीम का क्या रोल रहता है, आपको थीम कैसे सेलेक्ट करनी चाहिए। एक चीज मैं आपको यहाँ पे और बोल देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको बहुत सारी थीम और बहुत सारे प्लगइन मिल जाएंगे जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होते हैं। आपको एक चीज का बहुत ध्यान रखना है, आपको थीम वही सेलेक्ट करनी है जो कि बहुत ज्यादा डाउनलोड हो रखी हो, जिसका अपडेट आता रहता हो और जिसकी रेटिंग बहुत अच्छी हो। आपको ऐसा नहीं कि आपको बस डिजाइन अच्छा लगा कुछ भी आपने उसको जाके एक्टिवेट कर दिया, आपको ऐसा नहीं करना, और खास तौर पे तो प्लगइन के टाइम पे, क्योंकि प्लगइन आपको इतने सारे भर के मिलते हैं, कोई भी फीचर आपको सिलेक्ट करना है, आपको किसी वेबसाइट में टेबल चाहिए टेबल के आपको मिल जाएंगे, आपको स्पीड के लिए चाहिए स्पीड के प्लगइन मिल जाएंगे, आपको साइट की परफॉर्मेंस के लिए कैसे के लिए चाहिए सिक्योरिटी के लिए चाहिए, भर भर के आपको प्लगइन मिलते हैं। वेबसाइट का बैकअप लेना है उसके लिए आपको प्लगइन मिल जाते हैं, मगर आपको जब भी आप प्लगइन को इंस्टॉल करो या फिर एक्टिवेट करो एक चीज का ध्यान रखना है, उसकी डाउनलोड्स कितने हो रखे हैं, एक्टिव इंस्टॉलेशन कितने हैं, उसका रेटिंग कितना है, लास्ट अपडेट कब आया है, ये सब चीजें बहुत मैटर करती हैं। इन सब चीजों को देखते हुए ही आपको थीम एंड प्लगइन्स को यूज करना चाहिए। तो फॉर एग्जांपल अभी हमारा जो डिजाइन है वो कुछ इस तरीके से है, मैं यहाँ पे अपने डिजाइन को अगर चेंज करना चाहूँ, ओशियन डब्ल्यू पी में कन्वर्ट करना चाहूँ, मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया, मैं ये वाली थीम सिलेक्ट कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि आपको भी ये थीम सिलेक्ट करनी है, बहुत सारी ऐसी थीम है जो कि आप यूज कर सकते हो, अलग अलग तरह के डिजाइन बना सकते हो।
तो यहाँ पे मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है और मैं इसको एक्टिवेट कर लेता हूँ। जैसे कि मैंने इसको एक्टिवेट जैसे किया, ये वाली मेरी हट गई है। अब मैं चाहूँ तो इसको रिमूव कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ। जैसे ही मैंने ये वाली थीम डाली तो इस थीम ने मुझे ऊपर रिकमेंड कर दिया है कि आप इस थीम को यूज करना चाहते हो तो एलिमेंटर, ओशियन एक्स्ट्रा और WP फॉर्म को इंस्टॉल कर लीजिए, आपकी वेबसाइट बनाने में आपकी ये हेल्प करेंगे और रिकमेंडेशन है ये इनकी। तो अगर किसी कंपनी की थीम को आप यूज कर रहे हैं तो उसकी रिकमेंडेशन आपको फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि उनको पता होता है कि उनकी थीम किस किस प्लगइन के साथ कंपेटिबल है और कितना अच्छा उसको यूजर एक्सपीरियंस मिल सकता है। तो हमेशा आपको एक ट्रस्टेड थीम के ऊपर उसके रिकमेंडेशन को फॉलो करना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इंस्टॉल पे कर दिया क्लिक। तो अभी कुछ प्लगइन्स हैं यहाँ पे, उसको हम बल्क एक्शन लेके, जैसे कि मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया, सारे सिलेक्ट हो गए, बल्क एक्शन में जाके इंस्टॉल करूंगा और अप्लाई कर दूंगा। तो मेरे जितने भी थीम है ये एक ही बारी में सारे इंस्टॉल हो जाएंगे, मुझे मैनुअल एक एक करके इंस्टॉल नहीं करना पड़ेगा। आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारे जो रिक्वायर्ड प्लगइन थे वो इंस्टॉल हो चुके हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप डैशबोर्ड पे वापस जा सकते हैं। आप जब डैशबोर्ड पे जाएंगे तो कुछ प्लगइन के यहाँ पे रिकमेंडेशन रहती है, उसके सेटअप वगैरह रहते हैं, आप इसको स्किप कर सकते हैं, इन सब चीज़ों की आपको जरूरत नहीं है। और इसको भी यहाँ पे एक बार ऊपर जाके, ये फालतू बहुत सारी चीज़ें आ गई होंगी, इनको भी यहाँ से आप हटा सकते हैं। आपको अपने डैशबोर्ड बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखना है। तो अब मैंने अपनी थीम को चेंज कर दिया, तो अब मैं अपने डिजाइन को अगर यहाँ पे चेक करूँ तो वो रिफ्रेश करता हूँ तो अभी इस तरीके से हमारा डिजाइन चेंज हो चुका है। कुछ ऊपर लोगो आ गया हमारा, जो बाय डिफॉल्ट वेब टेक्निकल टिप्स हमने टाइटल डाला था, और ये होम का होम पर लिखा है, और ये साइड बार के ऑप्शन आते हैं। अब ये सब कुछ हमारे हाथ में, हमने अपने डिजाइन को कैसे मैनेज करना है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि जब मैंने थीम वहाँ पे दिखाई थी आपको, आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे डिजाइन तो कुछ और दिखा रहा है, और हमने जो भी एक्टिव किया उसके बाद तो ये कुछ और दिखा रहा है। तो ये बेसिकली एक आपको सिंपल टेम्पलेट दिखाता है। आपको अगर इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को ऐड करना है तो यहाँ पे इनके बाय डिफॉल्ट बहुत सारे टेम्पलेट होते हैं। तो यहाँ पे आप जब आएंगे तो यहाँ पे नीचे कुछ ऑप्शन आपको मिलता है थीम पैनल का, इस पर आपको क्लिक करना होता है, और इस पे करने के बाद आपको इसको, आप चाहो तो इसको अलाउ भी कर सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो। जैसे ही आप यहाँ पे स्किप करेंगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रहे हैं इंस्टॉल डेमोज। जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे आपको बाय डिफॉल्ट ओशियन WP के जो डेमोज होते हैं वो बहुत सारे डेमो आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आप सिंपल से कोई सा भी एक डेमो पकड़ सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स की बात करें तो यहाँ पे ई कॉमर्स का बना बनाया आपको टेम्पलेट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यही वाला टेम्पलेट लेके चलूँ, या फिर कोई भी एक टेम्पलेट हम लेके चल सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। वन पेज स्पोर्ट्स का भी यहाँ पे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं। आप बिजनेस के अगर देखें तो बिजनेस के भी आपको टेम्पलेट, बने बने टेम्पलेट मिल जाते हैं, आपको कुछ करने की जरूरत भी नहीं पड़ती। पर मैं यहाँ पे एक ई कॉमर्स को लेके चलता हूँ, इस पर जाता हूँ, इस पर करता हूँ क्लिक, और यहाँ पे ये जब मैं इस पर आऊंगा तो यहाँ पे मुझे कुछ ये इंस्टॉल करने के लिए बोल रहा है, कुछ रिक्वायर प्लगइन है इस थीम के अकॉर्डिंग, तो मुझे बोल रहा है कि ये भी आप इंस्टॉल कर लो तो ये आपकी वेबसाइट के लिए आपको हेल्प करेंगे। तो यहाँ पे आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, इस पर भी कर सकते हैं, इस पर और इस पर, जो इनके रिक्वायर्ड प्लगइन्स होते हैं उसको आपको इंस्टॉल करना होता है। ऐसे ही आप कोई भी थीम अगर यूज करते हो तो उस थीम में कुछ रिकमेंडेड प्लगइन होते हैं, वो आपको यूज करने होते हैं, उसके कुछ डेमोज होते हैं, आप उनके डेमोज को भी एक्सेस कर सकते हो, उन डेमो को भी यूज कर सकते हो अपनी वेबसाइट में। अभी ये हमारे इंस्टॉल हो चुके हैं, हमें एक्टिव करने पड़ेंगे जाके। यहाँ पे भी WooCommerce के लिए भी इंस्टॉलेशन के लिए बोल रहेगी। तो यहाँ पे आप आते हैं गो टू नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे सेलेक्ट व्हाट यू वांट इंपोर्ट, हम सब कुछ इंपोर्ट कर लेते हैं ताकि हमारा जो लेआउट है वो हमारे को देखने में अच्छा लगे। तो मैंने इंस्टॉल कर लिया फटाफट सब कुछ। सो फ्रेंड, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है डेमो इम्पोर्टेड सक्सेसफुली हो चुका है ये। अब यहाँ पे सीधा रिजल्ट के ऊपर क्लिक करके आप इस वेबसाइट को भी देख सकते हैं कि किस तरह की वेबसाइट हमारी, जस्ट सिंपल एक क्लिक पे और कुछ डेमो कंटेंट को इम्पोर्ट करके हमने बना ली है। इस पर क्लिक करते हैं एक बारी और साइट को जरा चेक करते हैं। देखिए साइट भी फटाफट लोड हो गई है, लोड होने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा है, और ये प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट की तरह ही लग रही है, और बिल्कुल सेम वैसी ही लुक एंड फील इसकी आ रही है जैसे एक ई कॉमर्स वेबसाइट की होती है। आप देख रहे हैं मैंने यहाँ पे कुछ खास नहीं किया, बस बेसिक से कुछ टेम्पलेट्स जो कि फ्री टेम्पलेट्स हैं मार्केट में अवेलेबल हैं, आप भी उसको यूज़ कर सकते हैं, उनको यूज़ किया। उसके ही फ्री टेम्पलेट्स में कंटेंट भी आपको मिल जाते हैं, इमेजेस भी मिल जाती हैं, टेक्स्ट भी मिल जाते हैं, सारी एक एक सेक्शन बना बनाया आपको मिल जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं सब कुछ आपको बना बनाया मिल गया है। अगर हम किसी एक प्रोडक्ट की बात करें, प्रोडक्ट के ऊपर भी क्लिक करके हम देख लेते हैं। यहाँ पे अगर क्विक व्यू पर क्लिक करते हैं तो उसका क्विक व्यू भी हमारे को मिल जाता है इस तरीके से। और उसके बाद अगर हम बात करें उसके ऐड टू कार्ड की, तो ऐड टू कार्ड भी यहाँ पे हो चुका है, और यहाँ पे आप इसको व्यू कार्ड कर सकते हैं। तो मतलब एक पूरी प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट आपने देखा, आपने कितनी मेहनत करी यहाँ पे, देख आपके सामने सब कुछ है। यहाँ पे प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, बेसिक सी आप उनकी इन्फॉर्मेशन डालेंगे, सब कुछ प्लेस ऑर्डर कर सकते हैं बहुत इजीली।
तो मैं यहाँ पे आपको बेसिक सा एक ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप वर्डप्रेस को सही से समझ लेंगे, सही से जान लेंगे और उसकी नॉलेज पूरी रख लेंगे, तो आप किसी भी तरह की वेबसाइट, जैसे कि मैंने यहाँ पे साफ साफ मेंशन किया है कि यहाँ पे आप ब्लॉग बना सकते हो, किसी भी तरह का ब्लॉग का मतलब यहाँ पे ये नहीं है एक बेसिक सा ब्लॉग, ब्लॉग का मतलब ब्लॉगिंग से है, यहाँ पे ब्लॉगिंग करके आप अर्निंग कर सकते हो, किसी भी नीश को, किसी भी कैटेगरी को जिसमें आप एक्सपर्ट हो, उस तरह का काम करके अपनी पोस्ट को रैंक करा के गूगल से ऑर्गेनिक ट्रैफिक ला के या तो आप एडसेंस के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, एफिलिएट के थ्रू अर्निंग कर सकते हो, या तो अपने खुद के प्रोडक्ट को सेल करके अर्निंग कर सकते हो। तो आपके पास यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन हैं, किसी भी तरह का आप बिजनेस कर सकते हो, या तो फिर आप अपने क्लाइंट्स के लिए वेबसाइट बना सकते हो किसी भी कैटेगरी पे। ये तो मैंने एक थीम आपको बताई है, ओशन डब्ल्यू पी खाली, ऐसी बहुत सारी ऐसी ऐसी थीम हैं जहाँ पे आपको टेम्पलेट्स भर के मिलते हैं। और बाय डिफ़ॉल्ट अभी आगे मैं आपको एलिमेंटर पे भी बताऊंगा कि एलिमेंटर पे खुद का कस्टम डिज़ाइन कैसे बना सकते हो, और वहाँ पे भी बहुत सारे आपको टेम्पलेट्स मिल जाते हैं, उनको भी यूज़ करके आप अपने लिए या फिर अपने क्लाइंट्स के लिए किसी भी तरह की वेबसाइट को बना सकते हैं। सो फ्रेंड, जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको एक थीम के बारे में बताया है कि थीम को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसका कैसे यूज़ किया जाता है और उसका क्या बेनिफिट होता है, अगर हमें कोई थीम यूज़ करना हो तो उससे हम क्या क्या कर सकते हैं। अब इसी तरीके से जैसे मैंने ये थीम इंस्टॉल कर रखी है, अपेयरेंस में आता हूँ तो यहीं पर मुझे कस्टमाइजेशन, विजेट, मेन्यू, हेडर एंड थीम एडिटर का ऑप्शन मिल जाता है। हम बात करते हैं यहाँ पर कस्टमाइजेशन की। कस्टमाइजेशन में आने के बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे आप साइड में देख रहे हैं साइट आइडेंटिटी पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप अपना नाम चेंज कर सकते हैं, अपना टैगलाइन को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस टाइम ये लोगो डला हुआ है, अगर आपको ये लोगो चेंज करना है फॉर एग्जांपल, तो आप लोगो चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसके हेडर में जाएंगे, हेडर में जाने के बाद लोगो का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, इस लोगो पर आप क्लिक करेंगे, लोगो पर आने के बाद सिंपल आप इसको रिमूव करके अपना जो भी आपको लोगो डालना है उस लोगो को ऐड कर सकते हैं। आप चाहें तो इसका साइज़ भी यहाँ से बढ़ा सकते हैं या फिर इसका साइज़ बहुत कम करना चाहें तो कम भी कर सकते हैं, ये टोटली आपके ऊपर है, आपने इसको कैसे मैनेज करना है। इसी तरीके से यहाँ पे आपको कस्टमाइजेशन के अंदर आने के बाद बहुत कुछ मिलता है, जैसे कि यहाँ पे आप मेन्यू पे आते हैं, फुटर मेन्यू, मेन मेन्यू, टॉप मेन्यू। टॉप मेन्यू आपका ये वाला सेक्शन होता है, मेन मेन्यू आपका ये वाला सेक्शन होता है, और फुटर मेन्यू आपका जो फुटर में ये दिखाई दे रहे हैं ये आपका मेन्यू फुटर मेन्यू होता है। तो इसी तरीके से अगर आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ चेंज करना है टॉप मेन्यू पे, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आपके माय मेन्यू, शॉपिंग कार्ट और कॉन्टैक्टस ये दिखता है। अगर आपको इनको रीऑर्डर करना है आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनको रीऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं इसको डिलीट करना या फिर इसका नाम चेंज करना या फिर इसका लिंक चेंज करना, यहीं से मैनेज कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कुछ आइटम आपको और ऐड करने हैं तो आप वो भी यहाँ से ऐड कर सकते हैं बहुत आसानी से। यहाँ पे सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके पास जितने भी पेजेस होंगे पेजेस ओपन हो जाएंगे, पोस्ट होंगी पोस्ट ओपन हो जाएंगी, प्रोडक्ट होंगे प्रोडक्ट ओपन हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप एक एक चीज़ यहाँ से सेलेक्ट करके कोई भी आइटम ऐड करना चाहो तो आइटम को ऐड कर सकते हो। मेन्यू के बाद हम बात कर लेते हैं विजेट्स की। विजेट्स क्या होती हैं? विजेट्स हमारे बेसिकली राइट साइड बार में पोस्ट के या फिर हमारे फुटर में यूज़ होने वाली चीज़ें होती हैं, जैसे कि ये कुछ विजेट्स हैं। जैसे फुटर वन की अगर हम बात करें, फुटर वन में इन्होंने कॉन्टैक्ट इन्फो को यूज़ किया हुआ है, उस पर हम क्लिक करते हैं, जैसे कॉन्टैक्ट इन्फो ये रहा। अब मैं कॉन्टैक्ट इन्फो में कुछ भी चेंज करना चाहूँ, खाली कॉन्टैक्ट करना चाहूँ, बस मैंने यहाँ पर एडिट करना है और यहाँ पर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। इसी तरीके से आप कोई भी यहाँ पर इन्फॉर्मेशन चेंज करना चाहो चेंज कर सकते हो विजेट के थ्रू। अब ये विजेट आपको कहाँ मिलते हैं वो मैं आपको बताया था, अपेयरेंस के अंदर ही। अभी हम कस्टमाइज़र पे हैं, ये रहा विजेट का ऑप्शन, इस पर अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको विजेट का पैनल आपका पूरा खुल जाएगा। यहाँ पे आपको सारे विजेट्स मिल जाते हैं, जैसे कि अभी हमारे फुटर वन में ये वाला विजेट्स लगा है कॉन्टैक्ट इन्फो, एंड फुटर टू में रीसेंट पोस्ट का लगा हुआ है, जैसे ये रीसेंट पोस्ट का लगा हुआ है। इसी तरीके से विजेट्स यहाँ पे बहुत सारी विजेट्स होती हैं, आप जो जो विजेट जो जो चीज़ें यूज़ करना चाहते हो उसको सिंपल आपको जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप करना है, आपके में वो ऐड हो जाता है, आपको इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना होता। विजिट करने के बाद ये होम पेज सेटिंग, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, जहाँ पे आप अपने होम पेज को सेलेक्ट करते हैं स्टैटिक पे, जैसे हमने किया था, हमने होम पेज पे होम को किया था, ब्लॉग पोस्ट पे ब्लॉग को किया था, आप इसको यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो। अब ये जनरल ऑप्शन में यहाँ पे आपको बेसिकली क्या चीज़ मिलती है, आपकी वेबसाइट की जनरल स्टाइलिंग, उसके कलर, उसके फॉन्ट्स, उसके टाइटल्स, उसके जो पेजिनेशंस होते हैं, स्क्रॉल टू टॉप का जो बटन होता है, थीम के जो बटन होते हैं किस तरीके से वो रहेंगे, उनका डिज़ाइन क्या रहेगा, उनका कलर क्या रहेगा, वो सब चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। टाइपोग्राफी में आने के बाद आप पर्टिकुलर एक एक कंटेंट का, आपके साइड में जितना बॉडी टेक्स्ट है, मेन्यू का टेक्स्ट है, हेडिंग का टेक्स्ट है, लोगो का टेक्स्ट है, टॉप बार, मेन्यू बार, सारे के सारे जितने भी टेक्स्ट होते हैं वो सारे के सारे आप यहाँ से मैनेज
कर सकते हो, अपने फॉन्ट की स्टाइलिंग सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे इस थीम में आपको इतने सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, ऐसे हर थीम में अपने अपने अलग अलग ऑप्शन होते हैं, सब में सेम नहीं होता, मगर मोस्टली ऑलमोस्ट तरीका सबका यही होता है। आप अपेयरेंस में, कस्टमाइज में आके सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो। अब जैसे ये टॉप बार का सेक्शन है, इस टॉप बार के सेक्शन में यहाँ पे ये सोशल आइकन है और ये मेन्यू है, तो यहाँ से अगर मैं चाहूँ इस टॉप बार के सेक्शन को बंद करना चाहूँ तो बंद भी कर सकता हूँ। जैसे कि इनेबल टॉप बार इस टाइम हो रखा है, अगर मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूँगा तो टॉप बार का सेक्शन मेरा हट जाएगा। जैसे देखिए ऐसे, अगर मैं इसको टिक कर दूंगा तो ये दोबारा इनेबल हो जाएगा। और उसके अंदर मैंने जो जो चीज़ें रखी होंगी, शो ऑन ऑल डिवाइस, लेफ्ट साइड सोशल, लेफ्ट सोशल एंड राइट कंटेंट, लेफ्ट सोशल एंड राइट कंटेंट, इस तरीके से हम इसको मैनेज कर रहे हैं। तो आप यहाँ पे आके वर्डप्रेस के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं, सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ऐसा भी कुछ नहीं है कि बहुत टफ है, बहुत ही इजी होता है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान से इस पर करेंगे तो आप वर्डप्रेस के बिल्कुल एक्सपर्ट बन सकते हो, आपको कोई नॉलेज नहीं है तब भी। इसी तरीके से यहाँ पे हेडर का सेक्शन है, ब्लॉग का सेक्शन है, आपके जो ब्लॉग है उसकी स्टाइलिंग कैसी होनी चाहिए, उसका ब्लॉग का लेआउट कैसा होना चाहिए, ग्रिड कैसा होना चाहिए, ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो आपके ब्लॉग के पेज का। और इंडिविजुअल सिंगल ब्लॉग के पेज, जो मेन आर्टिकल का डिटेल पेज होता है, उसमें कैसा डिज़ाइन आप रखना चाहते हैं वो भी यहाँ से आप मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद वूकॉमर्स की कुछ सेटिंग्स होती हैं यहाँ पे। वूकॉमर्स में जो आपका स्टोर के नोटिस होता है, जनरल मेन्यू होता है, मेन्यू कार्ड की जो स्टाइलिंग होती है इस तरह का, आपके सिंगल प्रोडक्ट पेज होते हैं, कार्ड का पेज होता है, चेकआउट पेज होता है, ये सारी स्टाइलिंग आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इसके कस्टमाइजेशन वाले सेक्शन में आने के बाद पूरी थीम को मैनेज कर सकते हो और कंट्रोल कर सकते हो। तो हमारा यहाँ पे अपेयरेंस में थीम का, कस्टमाइज का हो गया, विजेट का मैंने आपको ऑलरेडी अभी बता दिया। अब बात आती है मेन्यू बार की, एक बार मेन्यू पे भी चल लेते हैं। मेन्यू बार में मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने तीन मेन्यू बना रखे हैं, मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरीके से ये मेन्यू है। फुटर मेन्यू जो कि फुटर में दिख रहा था, मैंने आपको बताया अभी। मेन मेन्यू जो हमारी मेन नेविगेशन है, जहाँ पे हमने अपने सारे प्रोडक्ट वगैरह को शो कर रखा है। और टॉप मेन्यू जो टॉप पे हमारा सोशल आइकन एक तरफ दिख रहा था यहाँ पे कॉर्नर पे, साइड में एक बार ओपन कर लेता हूँ, आपको साइड दिखा देता हूँ। जैसे ये सोशल आइकन दिख रहा है, राइट साइड में ये वाला दिख रहा है, ये हमारा टॉप सेक्शन वाले मेन्यू है। तो ये यहाँ पे इन्होंने तीन मेन्यू बना रखे हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे भी इस टाइम फुटर मेन्यू सेक्शन, फुटर वाला मेन्यू सेलेक्टेड है। तो यहाँ पे आप देखेंगे अबाउट कॉन्टैक्ट टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी, यहाँ पे एक बार हम आ जाते हैं तो फुटर में यहाँ पे आते हैं, हम देखते हैं अबाउट कॉन्टैक्ट टर्म्स प्राइवेसी पॉलिसी। ये आप देख रहे हैं चार सेक्शन, ये हमारे जो चार बटन हैं यहाँ पे, चार मेन्यू दिख रहे हैं, ये हमारे फुटर के मेन्यू हैं। अब मैं चाहता हूँ इसके अंदर मैं कुछ और भी ऐड करना चाहता हूँ, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे सिंपल यहाँ पे मैं अपने मोस्ट रिसेंट सारे यहाँ पे जितने भी मेरे मेन चीज़ उसको उठा सकता हूँ। जैसे मैंने ब्लॉग लिया, ब्लॉग को कर दिया ऐड टू मेन्यू, यहाँ पे मैंने इसको कर दिया सेव। अब मैं आपको वहाँ पे रिफ्रेश करके दिखाता हूँ, ये देखिए लास्ट में ये मेरा ब्लॉग वाला ऐड हो गया है। आपको कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल सा बेसिक सा प्रोसेस है, बस ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। आपको बस पता होना चाहिए कौन सा सेक्शन कहाँ पे है, किसको कैसे प्ले करना है, बस इतना ही आना चाहिए, वर्डप्रेस आप सीख जाएंगे बहुत आसानी से। तो ये हमारा मेन्यू का सेक्शन है, यहाँ पे आप पेजेस वाइज पोस्ट के हिसाब से, अगर आप चाहते हैं किसी पोस्ट को पर्टिकुलर हाईलाइट करना चाहते हैं, पोस्ट को ड्रैग करके ऐड कर सकते हैं। कस्टम लिंक बनाना चाहते हो, कस्टम लिंक बना सकते हो। किसी कैटेगरी को पर्टिकुलर, जैसे चार कैटेगरी उन्होंने ले रखी, किसी कैटेगरी के ऊपर ही आप लिंक देना चाहते हो, उस पर कोई क्लिक करे, पूरी कैटेगरी के प्रोडक्ट हमें शो करने हैं, वो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। अब मेन्यू के बाद हमारा ऑप्शन आता है यहाँ पे हेडर का। आपको हेडर पे क्लिक करने पे कस्टमाइज वाले सेक्शन में ही ले जाएगा, वहाँ पे जो हेडर दिखता है वो वाले सेक्शन में ही आपको ले जाएगा, इसका मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। और थीम एडिटर एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पे अगर आपको वर्डप्रेस आता है, पीएचपी की नॉलेज है, तभी आपको इस एरिया में एंट्री करनी चाहिए, वरना ये एरिया आपके लिए नहीं है। अगर आपने यहाँ पे किसी भी एक फाइल में फालतू कुछ चेंजेस कर दिया और उसको सेव कर दिया, या फिर कोई एक लाइन भी आपने उड़ा दी, तो आपकी वेबसाइट में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें बिगड़ सकती हैं आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। तो आपको अगर ज़रा सी भी नॉलेज नहीं है सीएसएस की, एचटीएमएल की, पीएचपी की,
तो आप प्लीज़ इस एरिया को बिल्कुल भी टच ना करें। मगर यहाँ पे अगर आपको आता है तो यहाँ से आप बहुत सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे फंक्शन PHP फाइल होती है, यहाँ पे काफ़ी सारे फंक्शंस लिखे हुए हैं इस थीम के, उन फंक्शंस को आप अपने अकॉर्डिंग चेंज करके अपनी थीम में चेंजेस कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग प्ले कर सकते हैं। मगर उसके लिए आपको PHP की नॉलेज होना कंपलसरी है। तो ये एरिया मैं मान के चलता हूँ आप लोगों के लिए नहीं है एज अ बिगनर। तो यहाँ पे हमारा अपेयरेंस का सेक्शन हो चुका है ख़त्म। अब हमारा लास्ट सेक्शन जो बचता है वो बचता है प्लगइन का, जो कि हमारी वेबसाइट का कह सकते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है। प्लगइन पे जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे, तो यहाँ पे प्लगइन में हमारे जितने भी इंस्टॉल्ड प्लगइन होते हैं, ऐड न्यू का ऑप्शन आता है और प्लगइन एडिटर का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे इंस्टॉल्ड प्लगइन में हमारी वेबसाइट के अंदर जितने भी प्लगइन हमने यूज़ किए हुए हैं वो सारे के सारे दिखते हैं। जैसे कि जब मैंने ये ओशियन WP थीम को इंस्टॉल किया था, उस टाइम उसने एलिमेंटर, ओशियन एक्स्ट्रा और WP फॉर्म लाइट को इंस्टॉल करने के लिए मुझे रेकमेंड किया था कि ये आप इसको इंस्टॉल करो। तो मैंने ये तीन उस टाइम इंस्टॉल किए थे। मगर ये बाकी सारे प्लगइन कहाँ से आए आप ये सोच रहे होगे, ये प्लगइन आए हैं तब जब हमने ये वाली थीम इंस्टॉल की थी, ये वाली वर्डप्रेस का लेआउट जब हमने पूरा वहाँ से इंपोर्ट किया था डेटा, उस टाइम पे ये प्लगइन आपको याद होगा मैंने एक्टिवेट किए थे, ये वाला कस्टम साइड बार, प्रोडक्ट शेयरिंग, सोशल शेयरिंग, स्टिकी एनीथिंग और वू कॉमर्स, क्योंकि ये ही हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट है तो ये वू कॉमर्स का सेक्शन का प्लगइन होता है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे, प्लगइन का क्या रोल होता है, प्लगइन कह सकते हो एक तरह का सॉफ्टवेयर कह सकते हो उसको, जिसमें कि आप पर्टिकुलर कुछ फंक्शन डिफाइन करते हो कि वो चीज़ अगर हम यूज़ करें, जैसे कि वू कॉमर्स का प्लगइन है, जब तक मैं वू कॉमर्स का प्लगइन नहीं यूज़ करूँगा अपने वर्डप्रेस के अंदर, तब तक मैं इसके अंदर ई कॉमर्स वेबसाइट को प्ले नहीं कर सकता। अगर मुझे एक ई कॉमर्स वेबसाइट को प्ले करना है तो मुझे वू कॉमर्स प्लगइन को इंस्टॉल करके उसको एक्टिवेट करना पड़ेगा। जब मैं इसको एक्टिवेट कर लूँगा तो इसकी अपने आप में खुद सेटिंग्स होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे वू कॉमर्स के ऊपर होवर किया तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन निकल के आ गए। अब ये सारे ऑप्शन वू कॉमर्स से रिलेटेड है। आप इसकी सेटिंग पे अगर जाएंगे तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, जैसे कि आपका जो भी जनरल एड्रेस है आपके स्टोर का वो सब कुछ आपको एंट्री करनी होती है, किस हिसाब से आप पैसे लेते हो करेंसी उसकी यहाँ पे आपको डिफाइन करनी होती है, प्रोडक्ट पे आने के बाद आप यहाँ पे शॉप पेज को सिलेक्ट करना होता है। तो यहाँ बेसिक से बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि वेट की यूनिट आपकी क्या रहेगी, किलोग्राम, ग्राम, LBS, आपकी डायमेंशंस किस हिसाब से हैं, सेंटीमीटर के हिसाब से हैं, इंचेस के हिसाब से हैं, तो ये सब चीज़ें आप यहाँ पे आके मैनेज कर सकते हो। शिपिंग का प्रोसेस आपका क्या रहेगा, आप शिपिंग किस हिसाब से लेते हो, पेमेंट गेटवे आपकी वेबसाइट पे है कि नहीं है कोई, आप कैश ऑन डिलीवरी लेते हो, पेपाल लेते हो, रेजर पे लेते हो, पेटीएम लेते हो, ये सब कुछ आप यहाँ से मैनेज कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पेमेंट का मेरा ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे आपको प्लगइन का एक एग्जाम्पल देके दिखाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एक रेजर पे का गेटवे इंटीग्रेट करना है, तो मुझे सिंपल यहाँ पे आना है, मैंने रेजर पे लिखा यहाँ पे, मुझे रेजर पे का जो रेजर पे फॉर वू कॉमर्स, रेजर पे क्विक पेमेंट, रेजर पे पेमेंट लिंक फॉर वू कॉमर्स, रेजर पे, तो यहाँ पे बहुत सारे मुझे वो मिल गए रेजर पे के, जो कि रेजर पे कंपनी का टीम रेजर पे, टीम रेजर पे, टीम रेजर पे, तो रेजर पे कंपनी ने अपने लिए काफ़ी सारे यहाँ पे वो बना रखे हैं। आपको इस पर क्लिक करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने इंस्टॉल पर क्लिक किया, एक्टिव किया, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे रेजर पे का ऑप्शन नहीं था, अब रेजर पे का ऑप्शन आ गया और उसको मैंने ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पे मैनेज पे आऊँगा और उसकी जो बेसिक सी API क्रेडेंशियल्स होती है वो मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, की ID, सीक्रेट, और ये आपका ऑन हो जाएगा। आप यहाँ पे पेमेंट वगैरह लेना स्टार्ट कर सकते हैं। तो देख रहे हैं कितना आसान सा प्रोसेस है। आपको पेमेंट लेनी है, गेटवे इंटीग्रेट करने में कितने टाइम लगा, मुश्किल से 5 मिनट। यही प्रोसेस है, यही कमाल है वर्डप्रेस का, यही कमाल है वर्डप्रेस के प्लगइन्स का और उनके जो आपको एडवांस फीचर मिलते हैं। यही अगर आपको ब्लॉगर पे करना पड़ जाए आपको सोचना पड़ जाएगा, आपको बहुत मेहनत लगेगी, या फिर आपको एक अच्छा खासा डेवलपर हायर करके उसको अच्छी खासी मुंह मांगी कीमत देनी पड़ेगी अगर आप यही काम अगर ब्लॉगर पे करना चाहते। तो आपको वर्डप्रेस बहुत सारी सहूलियत देता है, बहुत ज़्यादा ईजी करता है कि आप खाली अपने काम पर फोकस करें, बाकी सारा जो कि डेवलपमेंट से रिलेटेड प्रोसेस होता है वो वर्डप्रेस अपने आप में ही मैनेज करता है। तो फ्रेंड्स इसीलिए मैं वर्डप्रेस को हाईली रिकमेंड कर रहा हूँ। यहाँ पे वर्डप्रेस आपको यूज़ करना चाहिए, उसको आपको सीखना चाहिए, उसको एक्सप्लोर करना चाहिए। तो यहाँ पे आपने देखा जैसे कि एक हमने वू कॉमर्स सेक्शन ला के अपनी वेबसाइट को ई कॉमर्स बनाया, उसमें पेमेंट गेटवे इंटीग्रेट किया, कितने आसानी से सब कुछ आप कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पे वू कॉमर्स की बात करें, अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी अपने चैनल पे वीडियो बना रखी है ई कॉमर्स के ऊपर, ये वाली वीडियो आप देख सकते हो, यहाँ पे ई कॉमर्स से रिलेटेड आपको पूरा डिटेल में मिल जाएगा। मैं अगर इस वीडियो में बताऊंगा तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है और भी लंबी होती जाएगी। तो ई कॉमर्स के सारे सेक्शन
प्रोडक्ट्स और सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन कर रखी हैं। आप मेरी चैनल पे आके ये वाली वीडियो को देख के सब कुछ सीख सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने आपको जैसे कि बताया कि एक प्लगइन का क्या रोल होता है, प्लगइन में आने के बाद आपको आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको क्या चीज़ चाहिए, आपको एक एक चीज़ मिलेगी। यहाँ पे जैसे कि मैं कुछ आपको दिखा दूँ कि ये जैसे मैं क्लासिक एडिटर की बात कर रहा था, मेरे पास अभी जो एडिटर है वो बेसिक एडिटर था। अभी मैं अगर क्लासिक एडिटर की बात करूँ, मैंने यहाँ पे इसको इंस्टॉल कर दिया, मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी हमारा इस तरह का एडिटर है और यहाँ पे हमारा अभी प्लगइन इंस्टॉल हो रहा है क्लासिक एडिटर वाला। ये इंस्टॉल हो गया, मैंने इसको कर दिया एक्टिवेट। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा कि जैसे मैं पोस्ट पे आता हूँ, ऐड न्यू पोस्ट करता हूँ, आप देखिए किस तरह से मुझे मेरा एडिटर दिख रहा है। बेसिक सा आपको सिंपल यहाँ पे टाइटल लिखना है, आपको अपने कंटेंट के साथ प्ले करना है, बोल्ड इटैलिक उसको किस हिसाब से अलाइनमेंट करनी है, लिंक देना है, मतलब सारी चीज़ें आपको यहाँ पे ए टू जेड एक ही बारी में मिलेगी। आपको क्या करना पड़ा, सिर्फ एक प्लगइन को इंस्टॉल करना पड़ा क्लासिक एडिटर को। अगर आपको इसमें दिक्कत हो रही थी, आपको समझ नहीं आ रहा था कैसे होगा, ये होगा वो होगा, तो आपकी एक क्लिक करके सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो गया। आपको सारी चीज़ें देखिए कितनी आराम से यहाँ पे विजिबल हो रही है, ईजी टू यूज़ रहती है। बहुत से लोग बोलते हैं हमारे में ये ऑप्शन नहीं आ रहा या फिर ये ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ये लेटेस्ट जो वर्डप्रेस का अभी ब्लॉग सेक्शन ऐड हुआ है, ये इस वजह से ही ये सब चीज़ें हुई हैं। मगर आप यूज़ करना चाहें तो उसको भी बहुत इजी यूज़ कर सकते हैं। आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, प्रोडक्ट के अंदर अच्छे से घुसना पड़ेगा, तभी आपको चीज़ समझ आएगी। तो यहाँ पे प्लगइन में अगर मैं बात करूँ, ऐड न्यू प्लगइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या चीज़ें आप यहाँ पे कर सकते हैं। मैं आपको पॉपुलर प्लगइन पे एक बार क्लिक करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आएंगे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, आपको किसी से कुछ इन्फॉर्मेशन लेनी है, किसी को आपको कुछ मेल करनी है, जैसे कि कॉन्टैक्ट पेज में कुछ फॉर्म लगे होते हैं, कुछ इंक्वायरी किसी ने करनी है, कुछ फॉर्म सबमिट करना है, कुछ रिज्यूम सेंड करना है, आपको कॉन्टैक्ट फॉर्म इंस्टॉल करना है और इसको खाली आपके शॉर्ट कोड डालने हैं और कुछ नहीं करना। सारी इनपुट फील्ड बन जाएंगी, सब कुछ बन जाएगा, आप अपने कॉन्टैक्टस पेज पे खाली आपको शॉर्ट कोड को ऐड करना होता है और आपका फॉर्म बिल्कुल रेडी। Yoast SEO, आपकी वेबसाइट में SEO को इम्प्रूव करने के लिए, SEO चेक करने के लिए सबसे वन ऑफ द बेस्ट प्लगइन है, इसको आपको बस इंस्टॉल करना है और यूज़ करना है। जैसे कि मैंने अभी आपको क्लासिक एडिटर का बताया, WooCommerce हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, एलिमेंटर भी हमने इंस्टॉल कर रखा है, रियली SSL, सिंपल SSL। आपकी वेबसाइट में अगर SSL है और वो अनेबल नहीं है, आपको कैसे उसको रीडायरेक्ट करना, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है कहाँ से कोड कौन सा लगाना है, सिर्फ इसको इंस्टॉल करना है, आपका वेबसाइट का SSL काम करना स्टार्ट कर देगा। सिक्योरिटी के मामले में वर्डप्रेस में क्योंकि सिक्योरिटी बहुत बड़ा इशू है, तो आपको यहाँ पे सिक्योरिटी के लिए एक प्लगइन मिलता है, बस आपको ये वर्डफेंस सिक्योरिटी प्लगइन को इंस्टॉल करना है। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप वर्डप्रेस के अंदर यूज़ कर रहे हैं तो आपको ये वाला प्लगइन ज़रूर यूज़ करना चाहिए। ये आपकी वेबसाइट को प्रोटेक्ट करता है, सेव करता है, अटैक होने से बचाता है, इसको ज़रूर आपको इंस्टॉल करना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 था, वैसे ही सेम यहाँ पे एक बहुत अच्छा प्लगइन है कॉन्टैक्ट फॉर्म बाय WP फॉर्म, जो कि हमने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है। इसी तरीके से अपड्राफ्ट प्लस, ये आपकी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए ऑल इन वन WP माइग्रेशन और अपड्राफ्ट, ये दोनों बेस्ट प्लगइन हैं आपकी वेबसाइट का बैकअप लेने के लिए। इसी तरीके से अगर आप एनालिटिक वगैरह को यूज़ करना चाहते हैं तो आप ये सब कुछ इंस्टॉल करके एनालिटिक को कर सकते हैं। जैसे Yoast SEO प्लगइन है, वैसे ही ऑल इन वन SEO प्लगइन है, ये भी आपके लिए बहुत यूजफुल रहता है। गूगल XML साइट मैप जनरेट करने के लिए आपको बहुत अच्छा ये प्लगइन मिलता है, मगर जब आप Yoast यूज़ करते हैं या फिर ऑल इन वन यूज़ करते हैं तो वो बाय डिफ़ॉल्ट आपका साइट मैप बना देते हैं, आपको इनकी ज़रूरत नहीं पड़ती। WP सुपर कैशे, आपको अपनी वर्डप्रेस में कैशे प्लगइन यूज़ करना पड़ता है आपकी स्पीड की परफॉर्मेंस के लिए, आपकी वेबसाइट जल्दी लोड हो उसके लिए, तो कैशे प्लगइन बस मतलब आपको इंस्टॉल करना है। सारे प्लगइन आपको बने बनाए मिले हैं, उनके आपको यहाँ पे बस चेक करना है कितने मिलियन इंस्टॉलेशन है, क्या रिव्यू है, लास्ट अपडेट कब आया था, टेस्टेड है कि नहीं है टेस्टेड आपकी वेबसाइट के साथ, जैसे कंपेटिबल है ये कंपेटिबल नहीं है, ये कंपेटिबल, ये सब चीज़ें आपको चेक करनी है कि आप किस थीम पे ऊपर काम कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर रीडायरेक्शन, आप किसी चीज़ पे रीडायरेक्ट करना है, उसके लिए आप क्या करेंगे, कोडिंग करेंगे नहीं, आपको सिंपल इसको इंस्टॉल करना है, आपका URL जोन से URL को दूसरे URL पर रीडायरेक्ट करना है, बस आपको ऐड करना है, हो गया सिंपल। इसी तरीके से स्मश प्लगइन है, यहाँ पे आपकी वेबसाइट में जितनी भी इमेजेस यूज होती हैं उनको ऑप्टिमाइज करने के लिए बस आपको इंस्टॉल करना है और कुछ भी नहीं करना, सारा काम प्लगइन अपने आप करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको इतने सारे प्लगइन मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट को ईजी बना सकते हैं, आपकी जो मेहनत होती है, जो हार्ड वर्क होता है, वो एक स्मार्ट वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये यूज़ होता है वर्डप्रेस का, ये यूज़ होता है वर्डप्रेस के एक एक सेक्शन का, जो कि मैंने आपको यहाँ पे पूरा बताया। यहाँ पे हमारा थीम इंस्टॉलेशन, प्लगइन का सारा और थीम कस्टमाइजेशन का मैंने आपको बता दिया। अब बात आती है प्रोफेशनल लुक वेबसाइट अगर आपको बनानी है तो वो आप किस तरीके से बना सकते हो, तो उसके लिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा। हमने जैसे कि यहाँ पे
एलिमेंटर को यूज़ किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे पेजेस में जाता हूँ, पेजेस में आने के बाद होम पेज पे हम करते हैं यहाँ पे, ये यह हमारा होम पेज का ऑलरेडी बना हुआ है क्योंकि हमने अभी एक थीम यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि हम ये वाली थीम अभी यूज़ कर रहे हैं। तो हमने होम तो खुद भी बनाया था और इस थीम ने भी होम पेज अपने आप लेके आ गई है थीम। तो हम यहाँ पे इस पेज के ऊपर ही काम करके देखते हैं। यहाँ पे हमने इस पर क्लिक किया एडिट विद एलिमेंटर। एलिमेंटर अपने आप में एक बहुत बढ़िया और बहुत बड़ा पेज बिल्डर है, जिसको मतलब कि आपको कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ से आपको अपने विजेट्स को पुट करना है, ड्रैग करना है और सेक्शन रेडी। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको कुछ करके दिखाना चाहूँ, यहाँ पे मैं आपको सिंपल सा कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे कि मुझे एक वीडियो ऐड करनी है, मुझे क्या करना है, सिंपल मैंने इसको यहाँ पे ड्रैग किया, मैंने सिंपल इसको यहाँ पे ड्रैग किया, मेरी वीडियो रेडी हो गई। अब मुझे क्या करना है, उसका स्टार्ट टाइम डालना है, एंड टाइम डालना है, ऑटो प्ले रखना है, म्यूट करना है, लूप चलाना है कि नहीं चलाना, उसमें मुझे कुछ प्राइवेसी मोड रखना है कि नहीं रखना, इमेज के ऊपर मैंने कुछ ओवरले देना है कि नहीं देना, अगर देना है तो कैसा देना है वो इमेज मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेजी लोड रखना है कि नहीं रखना, प्ले आइकन रहेगा या फिर नहीं रहेगा, लाइट बॉक्स में खुलना चाहिए या फिर नहीं खुलना चाहिए, मतलब एक एक चीज़ आप यहाँ से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। आपने क्या किया, खाली आपने एक बॉक्स पकड़ा, उसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया, आपकी वीडियो यहाँ पर ऐड हो गई। इसी तरीके से आपको एलिमेंटर के अंदर इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर मिल जाती हैं, उनका यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट बहुत आसानी से बना सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पे इस फोल्डर पे अगर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको इनके बाय डिफॉल्ट बने बनाए इतने सारे पेज मिल जाते हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इनके कुछ प्रो पेज हैं और कुछ फ्री टेम्पलेट्स हैं, आप यहाँ पे इनकी फ्री टेम्पलेट को यूज़ कर सकते हैं बहुत आसानी से। ऐसे ही कुछ इन्होंने यहाँ पे ब्लॉक्स बना रखे हैं पर्टिकुलर सेक्शन को लेके, जैसे कि कुछ यहाँ पे मैं दिखा दूँ अबाउट पेज, अबाउट पेज के कुछ ब्लॉग बना रखे हैं। मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कॉल टू एक्शन, कॉल टू एक्शन के कुछ एरिया इन्होंने बना रखे हैं। मैं कुछ यहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट के दिखाना चाहूँ, कॉन्टैक्ट टच के इन्होंने कुछ सेक्शन बना रखे हैं। अगर ये प्रो भी हैं तो प्रो भी आप अपने आप एलिमेंटर में बना सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ड्रैग एंड ड्रॉप का ही सारा खेल है। फुटर में आप जाएंगे, फुटर के इतने सारे आपको डिज़ाइन यहाँ पे मिल जाते हैं। जैसे एलिमेंटर है सेम ऐसा ही एक आपको प्लगइन मिल जाता है एनवाटो की तरफ से, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आपको प्लगइन में जाना है, ऐड न्यू पे करना है क्लिक, यहाँ पे आपको सिंपल सर्च करना है एनवाटो, एनवाटो के इस पर आपको करना है सिंपल क्लिक इंस्टॉल नाउ, आपको इस सेक्शन पे करना है क्लिक, एक्टिवेट करना है इसको। जैसे ही आप एक्टिवेट करेंगे आप यहाँ पे लेफ्ट साइड में देख रहे हैं एलिमेंट्स का एक सेक्शन ओपन हो चुका है, इस पर आपको करना है सिंपल क्लिक। यहाँ पे आने के बाद सिंपल आपको इसके फ्री टेम्पलेट किट पे करना है क्लिक। यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। यहाँ पे फ्री टेम्पलेट मैंने सेलेक्ट कर लिया था, फ्री ब्लॉग्स भी आते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाते हैं डिज़ाइन, जैसे मैं चाहता हूँ यहाँ पे इतने सारे फ्री टेम्पलेट है, मुझे इसमें से कुछ यूज़ करना, तो मैं वो यूज़ कैसे कर सकता हूँ वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ यूज़ करके भी। फॉर एग्जांपल मैं ये म्यूज़िक लेसन टीचर वाला या फिर फ्लाइट ट्रेनिंग वाला करते हैं, तो हम इसको यहाँ पे सिंपल करेंगे इंस्टॉल किट, ये इंस्टॉल हो गया है। अब करेंगे सिंपल व्यू किट, यहाँ पे आप देखिए अबाउट अस, सर्विसेज, सिंगल सर्विसेज, FAQ, कॉन्टैक्ट टीम, ये सारे पेजेस आपको मिल गए बाय डिफॉल्ट एक सिंगल क्लिक के ऊपर। अब आपको क्या करना है, जो भी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपको एक अबाउट सेक्शन चाहिए या फिर सर्विसेज का सेक्शन चाहिए, आप सिंपल यहाँ पे क्लिक करेंगे इंपोर्ट टेम्पलेट। जैसे ये मेरा हो चुका है यहाँ पे, तो यहाँ पे व्यू टेम्पलेट का ऑप्शन आ रहा है और इंपोर्ट अगेन का ऑप्शन आ रहा है। मैं यहाँ पे अब एक काम करूँगा, रिफ्रेश करके देखूँगा पहले, इसको एक काम करते हैं अपडेट कर लेते हैं और एक बार इसको रिफ्रेश करके देखते हैं, और वही फुटर में चले जाते हैं फटाफट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब आपको यहाँ पे एक कोर आइकन मिल गया जो कि एलिमेंट्स का है, एनवाटो का। अब यहाँ पे मैंने ये एक टेम्पलेट इंस्टॉल किया था, अब मैं चाहता हूँ ये सेक्शन मैं यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ पे किया व्यू इंस्टॉल किट पे क्लिक, और मैंने यहाँ पे इसके अंदर इस पे मैंने क्लिक किया, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। आपको जोन सी भी टेम्पलेट को यहाँ पे ऐड कराना है आप ऐड करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अबाउट वाला करना चाहता हूँ, अगर मैंने इस पे यहाँ पे क्लिक किया, ये फटाफट जितने भी इसमें अबाउट के अंदर एलिमेंट्स होंगे, सेक्शन होंगे, टेक्स्ट होंगे, इमेज होंगी, वो सारी चीज़ें फटाफट यहाँ पे इंपोर्ट कर लेगा, और उसको जस्ट एक क्लिक करना है वो आपका उस एरिया में ऐड हो जाएगा। ये देखो ये अबाउट वाला हमने ऐड किया था, ये अबाउट वाला सेक्शन पूरा वहाँ से ऑटोमेटिक कॉल हो गया, आपको कुछ नहीं पढ़ना पड़ा, बना बनाया आपको डिज़ाइन मिल गया। एक एक चीज़ आप अपने अकॉर्डिंग क्लिक कर सकते हैं, कंटेंट चेंज करना है यहाँ पे सिंपल क्लिक करना है कंटेंट चेंज हो जाएगा, हेडिंग चेंज करना है हेडिंग चेंज हो जाएगी, इमेज चेंज करनी है आपको इमेज चेंज हो जाएगी, टाइटल चेंज करना है हेडिंग चेंज करनी है, सब कुछ यहाँ से आप ऑटोमेटिक चेंज कर सकते हैं। आपको सेव करना है, अपडेट करना है, और अपडेट के बाद यहाँ पे आके आप रिफ्रेश करके देखिए आपकी वेबसाइट में वो चेंजेस आपको इंस्टेंट मिल जाएंगे।
ये देखिए वो वीडियो ऐड की थी वो, और ये अबाउट का सेक्शन भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। तो इसी तरीके से आप बहुत सारे टेम्पलेट का यहाँ पे एक्सेस है, मैंने जैसे कि आपको दिखाया, ये सब कुछ आप अपनी वेबसाइट के अंदर बहुत ही आसानी से कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आ चुका है, आपको देख रहे हैं पूरा का पूरा यहाँ पे टेम्पलेट आ चुका है आपके अबाउट अस पेज का। ये देखिए पूरा टेम्पलेट यहाँ पे आपका अबाउट अस पेज का भी आ गया। सो फ्रेंड्स, अगर आपको खुद ये बनाना पड़ जाए तो आपके लिए कितनी मेहनत वाला काम है, आपका काम भी कितना बढ़ जाएगा, आपको नॉलेज भी नहीं है, आपको बाहर दूसरों पे डिपेंडेंट रहना पड़ेगा। यहाँ पे आपको बनी बनाई चीज़ें मिल जाती है, बस आपको अपना कंटेंट यहाँ पे रिप्लेस करना है, अपनी इमेजेस यहाँ पे चेंज करनी है, कलर चेंज करना है अगर चाहें तो, नहीं तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। आपको सारी चीज़ें यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकती हैं। तो आप किस तरीके से यहाँ पे अपना खुद का एक प्रोफेशनल वेबसाइट बना सकते हैं इन टूल को यूज़ करके, एलिमेंटर एंड एनमोटो, वन ऑफ द बेस्ट टूल, इनको यूज़ करके आप अपनी वेबसाइट को बहुत ही प्रोफेशनल लुक दे सकते हैं। अब बात आती है यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग विद पेड थीम एंड प्रो प्लगइन्स। यहाँ पे कुछ पेड थीम और फ्री थीम होती है, जैसे कि मैंने फ्री थीम यूज़ करी, उसके अंदर बने बनाए कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्ले कर लेते हैं। मगर समटाइम्स क्या होता है, हमें कुछ स्पेसिफिक हमारी नीड होती है, जैसे कि हमारे को कुछ कोर्स से रिलेटेड बनाना है, कुछ ऐसा बनाना है जहाँ पे आके लोग ऑनलाइन पढ़ सकें, तो इसके लिए हमारे को बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पे कुछ पेड थीम मिल जाती है, उनकी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है, उनको बाय करना पड़ता है, वहाँ पे उनका पूरा फुल टाइम सपोर्ट भी मिलता है, आप उनके पूरे 6 महीने का या फिर 1 साल का सपोर्ट भी होता है। तो अगर आप फ्री लेते हैं तो आपको कोई सपोर्ट नहीं मिलता, और पेड थीम लेते हैं तो आपको एक सपोर्ट भी मिल जाता है। तो आप फ्रेशर हैं तो अगर आप कुछ ऐसा अलग सा कुछ बनाना चाहते हैं तो नेट पर रिसर्च करके डेफिनेटली पेड थीम लेके भी आप आगे जल्द बढ़ सकते हैं। और अगर हम यहाँ बात करें प्रो प्लगइन की, जैसे कि मैंने कुछ प्लगइन्स आपको दिखाए थे, बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं मार्केट में, यहाँ पे अगर हम एक प्लगइन की बात करें, प्लगइन्स में आए, ऐड न्यू किया, हम आ गए पॉपुलर में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, ये सारे फ्री प्लगइन हमारे को मिलते हैं, मगर हम बात करें अगर योस्ट एसईओ की ही, योस्ट एसईओ फ्री है, मगर इसमें भी इसके कुछ प्रीमियम फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि आपको न्यूज़ का एक एसईओ सेक्शन चाहिए तो उसके लिए आपको प्रीमियम प्लगइन लेना पड़ेगा योस्ट का। अगर आप चाहते हैं एक कीवर्ड का ये ऑप्शन देता है आपको, 5 कीवर्ड चाहिए, उसके लिए भी आपको प्रीमियम फीचर लेना पड़ेगा योस्ट एसईओ का। तो ये फ़र्क होता है एक फ्री प्लगइन में और एक प्रीमियम प्लगइन में। फ्री प्लगइन में आपको सारी चीज़ें नहीं मिलती हैं, प्रीमियम प्लगइन में आपको जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो हट जाती है, आप सब कुछ चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, सारे फंक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जो आपको बताया पेड थीम और प्रो प्लगइन हमारे को क्यों यूज़ करने चाहिए और क्या फ़र्क होता है, ये वो चीज़ें होती हैं, और किस तरह की वेबसाइट हम बना सकते हैं वो मैंने आपको बता दिया है। सो यहाँ पे फ्रेंड्स मैं बात करता हूँ अगर इंपॉर्टेंट प्लगइन्स की, तो सिक्योरिटी की जब भी बात आएगी तो मैं आपको आंख बंद करके, एक प्लगइन है जिसके ऊपर आप ट्रस्ट कर सकते हैं, वर्ड फेंस सिक्योरिटी फायरवेल के नाम का ये जो प्लगइन है, ये आप इसको इंस्टॉल कर लीजिए अपनी वेबसाइट में, तो काफ़ी हद तक आपको रिलीफ मिल जाएगा, आपकी वेबसाइट में किसी तरह का भी फालतू अटैक होने से आप बच सकते हैं। मगर वर्डप्रेस में अगर सिक्योरिटी की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं एक वर्डप्रेस की वेबसाइट बनाते वक्त, या फिर आप किसी भी तरह की वर्डप्रेस में वेबसाइट बना रहे हैं। तो वर्डप्रेस सिक्योरिटी के ऊपर मैं डेफिनेटली फ्यूचर में एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वर्डप्रेस को सिक्योर रखना चाहते हैं तो किस तरह से आपको अपनी वेबसाइट को बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। सिक्योरिटी के बाद अगर हम बात करें स्पीड की, तो यहाँ पर मैं एक प्लगइन का नाम लेना चाहूँगा, WP रॉकेट के नाम से एक प्लगइन है जो कि आपको वर्डप्रेस के उसमें नहीं मिलेगा, आपको ये बाहर से ही बाय करना पड़ता है। ये एक प्लगइन है जो कि आपको आई थिंक $49 का मिलता है शायद, ये $49 का आपको मिलता है 1 साल के लिए एक वेबसाइट के लिए, और ये आपके यहाँ, ये आपके सामने कुछ प्लान्स हैं इस तरीके से ये प्लगइन मिल जाता है। बाकी मार्केट में कुछ ऐसे टूल्स मिलते हैं जो कि आपको इनका क्रैक वर्जन दे देते हैं, तो आपको अगर वो सब यूज़ करना है तो वो सब यूज़ कर सकते हो। बाकी इसकी ओरिजिनल वेबसाइट ये है, यहाँ से आप लेना चाहो तो ले सकते हो। अगर स्पीड की हम बात करते हैं तो वेबसाइट की स्पीड के लिए WP रॉकेट एक बहुत अच्छा प्लगइन है जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स मिल जाते हैं जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को इम्प्रूव कर सकते हैं। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुछ SEO से रिलेटेड प्लगइन की, जो कि मैंने नीचे यहाँ पे बताया है आपको कि SEO से रिलेटेड सेटिंग क्या होनी चाहिए और उससे प्लगइन क्या होनी चाहिए, तो SEO की अगर हम बात करें तो योस्ट SEO प्लगइन एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप अपनी वेबसाइट की SEO को इम्प्रूव कर सकते हैं। आपको सारे पैरामीटर सब कुछ बताता है डिटेल में, इवन आपका साइट मैप भी उससे जनरेट हो जाता है ऑटोमेटिक, जो आपको सिर्फ जाके सर्च कंसोल में सबमिट कराना होता है। उसी के साथ कॉन्टैक्ट फॉर्म भी एक ऐसा प्लगइन है जिसकी हेल्प से आप अपनी साइट में फॉर्म्स को क्रिएट कर सकते हो। और जैसे कि मैंने बताया एलिमेंटर एक प्लगइन है जो कि हम यूज़ कर ही रहे हैं ऑलरेडी,
और अगर हम बात करें यहाँ पे बैकअप की, तो ऑल इन वन एक बहुत अच्छा प्लगइन है जिसमें आपको जस्ट क्लिक करके इंपोर्ट और जस्ट क्लिक करके आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो किसी भी अपने डेटा को। स्मश एक बहुत अच्छा प्लगइन है आपकी वेबसाइट की इमेज को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, इसको आप यूज़ करना चाहिए आपको। कैश ऐप प्लगइन के लिए मैं तब आपको बोलूँगा अगर आप डब्ल्यू पी रॉकेट नहीं यूज़ कर रहे, तब तो आप यहाँ से कोई भी एक फ्री का कैश ऐप प्लगइन यूज़ कर सकते हो जो कि आपकी वेबसाइट के साथ कंपेटिबल हो, जिसमें अच्छे इंस्टॉलेशन हो और अच्छे रिव्यू हो, जिसके अंदर कैश ऐप प्लगइन आपको डेफिनेटली यूज़ करना चाहिए। तो ये कुछ ऐसे बेसिक प्लगइन हैं जिनको आपको अपनी वेबसाइट के अंदर डेफिनेटली यूज़ करना ही चाहिए। और अगर हम बात करें अब यहाँ पे एसईओ के हिसाब से, गूगल सर्च कंसोल में कैसे अकाउंट अपनी वेबसाइट को डाला जाता है, गूगल एनालिटिक्स में कैसे काम किया जाता है, साइट मैप का सबमिशन कैसे किया जाता है, तो यहाँ पे एक काम करते हैं हम योस्ट एसईओ को फटाफट से इंस्टॉल कर लेते हैं और साथ ही साथ हम सर्च कंसोल में भी अपने अकाउंट को ओपन कर लेते हैं। इस पर क्लिक करते हैं, इसको बंद करते हैं और यहाँ पे हम इसको एक्टिवेट कर लेते हैं योस्ट को, और सर्च कंसोल को एक बार स्टार्ट नाउ पे करते हैं क्लिक। जब आप इस तरीके से आएंगे तो कुछ नया, और यहाँ पे आपको स्टार्ट पे क्लिक करना है। ये मैं रैंडम किसी एक अपने अकाउंट में इसको ऐड करके आप लोगों को खाली दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आपको ऐड प्रॉपर्टी पे क्लिक करना है। यहाँ पे दो तरीके होते हैं, या तो आप डीएनएस के थ्रू वेरीफाई करा लीजिए, या तो अपना डोमेन का जो यूआरएल प्रेफरेंस होता है उसके अकॉर्डिंग भी आप वेरीफाई करवा सकते हैं। तो मैं सिंपल यहाँ पे इसको कॉपी करूँगा और यहाँ पे इसको कर दूंगा पेस्ट और कंटिन्यू पे कर दूंगा क्लिक। अब मुझे ये फाइल मेरे सर्वर के अंदर अपलोड करनी है और वेरीफाई करना है, तो मैं इसको यहाँ पे फटाफट डाउनलोड कर लेता हूँ। मैं इसको अपने डेस्कटॉप पे डाउनलोड कर लेता हूँ और अपने होस्टिंग पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे मेरा फाइल मैनेजर मिलेगा। फाइल मैनेजर पे मैं जाके इसको अपलोड कर लेता हूँ। यहाँ पे आपको आपका फाइल मैनेजर मिलेगा, यहाँ पे फाइल मैनेजर के आने के बाद आपको पब्लिक एचटीएमएल के अंदर क्लिक करना है और यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी फाइल को अपलोड करना है सिंपल। तो यहाँ पे आपको अपलोड का यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है, अपलोड फाइल, सेलेक्ट फाइल, यहाँ पे इसको आपको सेलेक्ट करना है, ओपन पे करना है क्लिक और यहाँ पे इसको करना है आपको अपलोड। ये आपकी फाइल यहाँ पे अपलोड हो गई है। एक बार आप रिफ्रेश कर लेते हैं इसको और इसके बाद यहाँ पे आप सिंपल इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ये देखिए ऑनरशिप वेरीफाई हो चुकी है, आप इसको डन कर सकते हैं या फिर प्रॉपर्टी पे भी इसके जा सकते हैं। आप इसको डन करके आपका सर्च कंसोल का काम हो गया खत्म। अब यहाँ पे आते हैं फटाफट अपने योस्ट एसईओ जो हमने अभी डाला है उसमें एक बार जाते हैं। यहाँ पे आप नीचे आएंगे थोड़ा तो यहाँ पे आपको योस्ट एसईओ का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, इसमें आपको आना है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप आने के बाद बेसिक से यहाँ पे थोड़ा नीचे करेंगे, सर्च अपेयरेंस में जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद आपको बेसिक सा इमेज अपना लोगो और अपना जो आपका नाम, ये सब चीज़ें मेंशन करनी होती है, नाम और लोगो ऐड करके इसको अपलोड करना होता है। और अपनी वेबसाइट को एक बार आप देखेंगे और इसके साइड में आप जरा डालेंगे साइट मैप डॉट एक्स एम एल, एंटर करेंगे जैसे तो आपको एक यू आर एल मिल जाएगा। इस यू आर एल को आपने लेना होता है, कॉपी करना होता है और सिंपल यहाँ पे आना है आपके साइड मैप में, और साइड मैप पे यहाँ पे आने के बाद आपको अपनी प्रॉपर्टी सेलेक्ट करनी होती है। यहाँ पे आना होता है सिंपल आपको, और यहाँ पे आने के बाद आपको आपकी ये यूआरएल डाल के सिंपल आपको इसको सबमिट करना होता है। तो इस तरीके से आप योस्ट एसईओ को यूज़ करके साइड मैप को सबमिट कर सकते हैं, सर्च कंसोल में अपनी प्रॉपर्टी को वेरीफाई कर सकते हैं, और यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स के साथ कैसे कनेक्ट करते हैं वो भी मैं आपको फटाफट बता देता हूँ। आपको सिंपल जाना है यहाँ पे गूगल एनालिटिक्स, यहाँ पे आने के बाद आपको गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक करना है सिंपल, और आपकी वेबसाइट का जो भी एड्रेस है इसको एक बार आप कॉपी कर लो। इसको हम कॉपी कर लेते हैं पूरा। सो फ्रेंड्स यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपल आपके एडमिन पे यहाँ पे क्लिक करना होता है। एडमिन पे आने के बाद आपको यहाँ पे क्रिएट न्यू अकाउंट करना होता है। यहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट का नाम डालना होता है, मैं यहाँ पे वीरेंद्र जायसवाल डाल देता हूँ, और उसके बाद आपको सिंपल इसको नेक्स्ट करना होता है। आपको किसके लिए चाहिए वेबसाइट, ऐप प्लस वेब, एप्लीकेशन और वेब, मेरे को सिर्फ वेब के लिए चाहिए, इसको सेलेक्ट करके मैं नेक्स्ट कर दूंगा। यहाँ पे मेरी वेबसाइट का नाम मैं डाल देता हूँ एक बार दोबारा से, वेबसाइट का मेरा यूआरएल मैं यहाँ पे डालूंगा, यहाँ से मैं इसको एस सेलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ से मैं इसकी सेलेक्ट प्रॉपर्टी अपनी जो कैटेगरी है मेरी, किस कैटेगरी में मैं काम करता हूँ, मैं अपनी कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स कर लेता हूँ, कुछ ई कॉमर्स टाइप का मेरा स्टोर है तो। और यहाँ से मैं रिपोर्टिंग टाइम सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैं इंडिया का ही सब कुछ रखना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इंडिया कर लेता हूँ, और इसको क्रिएट पे मुझे करना है क्लिक, और इसके बाद एक बार मुझे यहाँ पे इसको इंडिया करके, यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट करने के बाद आपको चेक मार्क पे करना, यहाँ पे चेक करना है क्लिक करना है इसको,
और यहाँ पे आने के बाद इसको भी टिक करके आपको एक्सेप्ट करना है। अब आपको ये कोड मिला है, इस कोड को आपको सिंपली कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपकी जो वेबसाइट है, वेबसाइट में आपको आना है। एंड वेबसाइट में आने के बाद आपको यहाँ पे थीम एडिटर पे क्लिक करना है। थीम एडिटर पे क्लिक करने के बाद आपकी जो भी थीम होगी उस थीम को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको आपकी हेडर डॉट पी एच पी फाइल मिलेगी। मैं चाहूँ तो ये काम प्लगइन से भी कर सकता हूँ, मगर जितना हो सके उतना हमें कम प्लगइन को यूज़ करना चाहिए, जितना हम बचा सकें। अगर आपको थोड़ी बहुत नॉलेज है तो आप इसको बचा के थोड़ा अपना वेबसाइट के लोड को बचा सकते हैं। तो यहाँ पे आना है, आपको हेडर फाइंड करना है। हेडर फाइंड करने के बाद आपको सिंपली ये कोड यहाँ पे पेस्ट कर देना है और इसको कर देना है अपडेट। अभी मेरी साइट के मैं यूआरएल को एक बार आपको दिखा देता हूँ। अभी मैं एक बार ये अपनी वेबसाइट का सोर्स कोड आपको दिखा देता हूँ। कंट्रोल यू करके आप सोर्स कोड को फाइंड कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के। एंड यहाँ पे मैं आपको हेड सेक्शन के नीचे अपना जो मैंने अभी कोड डाला है वो आपको दिखा देता हूँ। एक बार ही फाइंड करता हूँ यहाँ पे हेड, ये रहा, ये मेरा जो मैंने अभी कोड डाला था एनालिटिक कोड, ये देखिए एनालिटिक कोड यहाँ पे मेरा ऐड हो चुका है। आप चाहें तो इसको टेस्ट भी करना चाहें तो टेस्ट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं, ये देखिए ये वन यूज़र एक्टिव है इस टाइम, जो कि मैं ही हूँ और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा दिखा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग अपनी वेबसाइट के अंदर सर्च कंसोल से वेरीफाई करा सकते हैं, गूगल एनालिटिक कोड डाल सकते हैं और साइट मैप को सर्च कंसोल में डाल सकते हैं, जो कि एक बेसिक सी रिक्वायरमेंट है, वर्डप्रेस में इतना होना ही चाहिए। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने पूरी वीडियो आप लोगों के लिए बना दी, सारी चीज़ें क्लियर कर दी, वर्डप्रेस हमारे को क्यों यूज़ करना चाहिए, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और हमारे को एक अच्छी होस्टिंग में इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, होस्टिंग लेते वक्त हमारे को किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, उसकी स्पीड, उसके सर्वर रिस्पॉन्स और उसका सपोर्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और होस्टिंगर से मैंने इसलिए आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, अगर आप बिल्कुल एक बिगनर हो तो आपके लिए ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी आप लोग नहीं कर सकते, तो आप लोगों के लिए एक अफोर्डेबल होस्टिंग, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ, होस्टिंगर से आप लोग एक अफोर्डेबल होस्टिंग को ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप इस लिंक पे क्लिक करके सिंपल यहाँ पे आ सकते हैं और यहाँ से अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी प्लान यहाँ पे बाय कर सकते हैं। मेरे हिसाब से रिकमेंडेशन आपको यही रहेगी, क्योंकि इसमें आपको ही फायदा है। प्रीमियम वेब होस्टिंग में आपको स्पेस ज़्यादा मिलता है, साइट्स आप ज़्यादा मैनेज कर सकते हो। अगर आपको फ्यूचर और वेबसाइट ऐड करनी है तो आपको होस्टिंग परचेज करने के लिए नहीं सोचना पड़ेगा, आपको होस्टिंग यहाँ मिल जाएगी, आप उसमें अपना बस डोमेन आपको ऐड करना है, आप होस्टिंग को आगे बढ़ा सकते हो। अनलिमिटेड बैंडविड्थ मिलती है, फ्री SSL मिलता है आपको, साथ ही साथ यहाँ पे आपको लाइट स्पीड कैशे मिलता है, क्लाउडवेयर का ऑप्शन मिलता है, 24/7 सपोर्ट मिलता है, अनलिमिटेड MySQL डाटाबेस बना सकते हो, साथ में आपको वीकली बैकअप और एक फ्री डोमेन भी आप लोगों को ये प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये वाला प्लान आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा प्रीमियम वेब होस्टिंग। इसको लेने के लिए आपको ऐड टू कार्ट पे करना है क्लिक। आपको बाय डिफॉल्ट एक साल का अगर आप लेंगे तो डोमेन यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फ्री में मिल जाता है। यहाँ पे आप अगर एक साल के लिए लेते हैं या फिर और बड़ा प्लान लेना तो वो आपके ऊपर है, बाकी मिनिमम आपको 1 ईयर का लेना चाहिए, वो लेने पे आपको डोमेन फ्री मिल जाता है। यहाँ पे अगर आप कोड लगाते हैं तो उसके बाद आपको 3,000 रुपये के आस मात्र ये होस्टिंग पड़ेगी, जो भी अगर आप अंदाजा लगाएं तो 200-300 रुपये महीने के हिसाब से आपको लगता है, जो कि आप अगर एक अंदाजा लगाएं तो अगर 300 रुपये भी हम काउंट करें तो 1,236,600 रुपये होते हैं, तो 300 रुपये भी नहीं पड़ते हैं आपके महीने के। और आपके पास एक अनलिमिटेड वेबसाइट हैंडल करने की होस्टिंग, जिसमें आप बहुत सारी वेबसाइट मैनेज कर सकते हो, SSL मिलता है आपको, वीकली बैकअप मिलता है, 24/7 सपोर्ट मिलता है और ये 99.9% अप टाइम की गारंटी भी देते हैं। आप इसकी सारी चीज़ें यूज़ करके देख सकते हो। सबसे बड़ी बात ये, यहाँ पे 30-day मनी बैक गारंटी भी आप लोगों को देते हैं। अगर आपको लगता है कुछ प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ आ रहा, तो आप इसको रिफंड के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से एक अच्छी होस्टिंग पे इन्वेस्टमेंट करके आप एक राइट प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस को यूज़ करके अपने बिजनेस को, अपनी साइट को, अपने काम को आगे बढ़ा सकते हैं और बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में इतना ही था। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना। बहुत देर से वीडियो बना रहा हूँ, बहुत मेहनत लगती है इस तरह की वीडियो बनाने में। बिना लाइक किए मत जाना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके ये ऑल नोटिफिकेशन को ज़रूर प्रेस कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करना, ताकि बाकी लोग भी इस वीडियो को देख सकें, वर्डप्रेस को सीख सकें, अपनी ऑनलाइन बिजनेस को, ऑनलाइन जर्नी को स्टार्ट कर सकें और अपने आप को आगे बढ़ा सकें। तो जल्दी मिलता हूँ अपने एक नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।